लाइव है? कैन यू सी मी गाइज? आई गेस हाँ, यस वी आर लाइव लेडीज एंड जेंटलमैन। इस वीडियो के अंदर हम लोग कैपिटल गेन्स पूरा का पूरा खत्म करने वाले। दो मिनट दे रहा हूं, तब तक मैं भी ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूं, आप भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? कर दिया मैंने लिंक शेयर। इतने बच्चे आ चुके हैं, दो तो आ गए भाई, तीन आ चुके हैं। यस, जो बच्चे हैं आ गए हैं भैया, एक बार लाइक करके अपनी प्रेजेंस दे दीजिए, और जो आने के हैं उनको बुला लीजिए, ठीक है? दो मिनट के अंदर कैपिटल गेन्स का रिवीजन शुरू करने वाले भाई और बहनों, मैक्स दो मिनट मैक्स। चलिए आज के दिन में पूरा कैपिटल गेन्स खत्म कर देंगे, जब 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 जब, ठीक है? चलो, यस, कौन कौन आ रखा है भैया? कुणाल गायकवाड़, हाय कुणाल, हाउ आर यू बच्चा? चलिए शुरू करें, एक मिनट रुकेंगे फिर शुरू कर देंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मेरे को बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करवा दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है सर, हाँ जी। चलिए जल्दी से खत्म कर देंगे आज के अंदर कैपिटल गेन्स, ठीक है? हाँ जी, मैं बेहतरीन हूँ, एकदम शानदार हूँ, हाँ जी सर। पूरा का पूरा अमेंडमेंट हमेशा कवर्ड ही होता है मेरे लेक्चर्स के अंदर, मैं हमेशा अमेंडमेंट कवर ही रखता हूँ सर, और मेरे को लगता है लगभग ऑलमोस्ट हर ही फैकल्टी रखती होंगी, एक बार फैकल्टी होगी जो नहीं रखती होगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं कैपिटल गेन्स का रिविजन। इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। मैं जब भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, मैं आपको एक कंसेप्ट के बाद टाइम दूंगा कि कोई क्वेरी है क्या ये पूछने के लिए। तब तक के लिए, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको मेरी बातें सुनने की है। कुछ मत करो, अपना चार्ट बुक अगर आपके पास होगा तो उसको ओपन करके रख लीजिए, प्लस सिर्फ मेरी बात सुनते रहो, ठीक है? ये चार्ट बुक है जिसमें से मैं रिविजन करवाने वाला, ठीक है? तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस स्टार्ट विद कैपिटल गेन्स का रिविजन। कैपिटल गेन्स रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कैपिटल गेन कब होता है? जब आप किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, उस प्रीवियस ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन कहेंगे, लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस कहेंगे। तो सर यहां से सवाल उठता है, कैपिटल एसेट मतलब क्या होता है? तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आपको निगेटिव लिस्टेड दे रखी है, और यहां पर तीन पार्ट है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट कहता है कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट, ये चार चीज है। पहला पॉइंट क्या कहता है? एनी प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट एक दो तीन और लास्ट वाली चार चीज छूट, ठीक है? तो क्या कहता है सर ये? एनी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो ना हो, ये कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट ये चार चीजें। कौन सी चार चीजें? पहला है सर स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये आपका कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट भी आपके कैपिटल एसेट नहीं है। तीसरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। तो जनरल डेफिनेशन क्या है? जनरल डेफिनेशन कहती है एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, बिजनेस से कनेक्टेड, बिजनेस से कनेक्टेड ना भी हो, टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो, आपका कैपिटल एसेट है। बट सेम चीज कहती है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट चार चीजें। पहला मेरे साथ रिपीट करेंगे, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स और स्टॉक इन ट्रेड। क्यों सर? क्योंकि इसका टैक्सेबिलिटी पीजीडीपी में आता है, इसको बेच के जो प्रॉफिट होगा वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा। दूसरा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, और तीसरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, और चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ये चार चीजें ऐसी है जो कैपिटल एसेट नहीं है,
ये चार चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये जो सेकेंड पॉइंट कह रहा है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, ये मूवेबल पर्सनल इफेक्ट आपके कैपिटल एसेट नहीं होते, बट ये मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में से एक्सक्लूड कर रखा है ये दो पॉइंट्स को, एक ज्वेलरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जिसको अपन वर्क ऑफ आर्ट कहते हैं। तो ये ज्वेलरी और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट आपके कैपिटल एसेट हो जाएंगे। ज्वेलरी प्लस वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी प्लस वर्क ऑफ आर्ट आपके कैपिटल एसेट रहेंगे। क्लियर है? हाँ जी, यस। अपन अभी भी जनरल डेफिनेशन पे ही है कैपिटल एसेट की, जो कि कहती है हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट ये चार चीजें। पहला कहती है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा कहता है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट भी कैपिटल एसेट नहीं है, बट ज्वेलरी और वर्क ऑफ आर्ट को छोड़ देना, ज्वेलरी और वर्क ऑफ आर्ट आपका कैपिटल एसेट होता है। तीसरी चीज, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया आपका कैपिटल एसेट नहीं रह सकती। और चौथा चीज, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये भी आपके कैपिटल एसेट नहीं रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। स्टॉक इन ट्रेड के अंदर क्या है, ये एफआईआई वाला है, वो तो बाद वाली बात है। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी और आर्कियोलॉजी कलेक्शन। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, ये नोट क्या कहता है कि भैया देखो आपने कपड़े पहने हैं, ये कपड़े मेरे कैपिटल एसेट नहीं है, बट इस कपड़े के अंदर मैं अगर किसी प्रेशियस डायमंड को, किसी प्रेशियस स्टोन को एम्बेड कर दू, वर्क कर दू, इस पे सिलवा दू, तो ये कपड़े कपड़े नहीं रहेंगे, ये कपड़े ज्वेलरी बन जाएगी। सेम तरीके से फर्नीचर, आपको याद होगा तो शेर, घर पे आपके शेर है तो वो फर्नीचर है, और फर्नीचर है तो वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। बट वही अगर आपको शेर, आपने शेर के आंखों में डायमंड डाल दिए, तो वो शेर अब आपका शेर नहीं रहा, फर्नीचर नहीं रहा, अब वो आपकी क्या बन गया, अब वो आपका बन चुका है सर ज्वेलरी। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हुआ है जिनको याद होगा उनके लिए। एग्जाम्पल, थ्रोन ऑफ गोल्ड और डायमंड शर्ट विथ डायमंड बटन्स, माधुरी दीक्षित का घाघरा जिसमें पूरे के पूरे स्टोन्स थे महंगे वाले, तो वो उसका पर्सनल इफेक्ट नहीं, वो उसका कैपिटल एसेट रहेगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, रूरल मतलब क्या है, वो डिपेंड करता है आपके शहर की पॉपुलेशन कितनी है। अगर आपके शहर की पॉपुलेशन या आपके गाँव की पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, तो कोई अर्बन लैंड नहीं रहेगा, पूरा का पूरा रूरल लैंड रहेगा। अगर आपके शहर की पॉपुलेशन 10,000 से 1,00,000 है, तो पहले 2 किलोमीटर जहां लिमिट खत्म हो रही है आपके शहर की या टाउन की, वहां से 2 किलोमीटर तक अर्बन और 2 किलोमीटर के बाहर का रूरल। 1,00,000 से 10,00,000 पॉपुलेशन है तो 6 किलोमीटर तक अर्बन, 6 किलोमीटर के बाहर का रूरल। 10,00,000 के ऊपर पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक अर्बन और 8 किलोमीटर के बाहर का रूरल। ठीक है, ये अपने को समझ गया रूरल क्या होता है। एग्रीकल्चरल क्या होता है सर, एग्रीकल्चरल लैंड मतलब ट्रांसफर के 2 साल पहले से आप उसको एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, एग्रीकल्चरल लैंड है बट उसको आप एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लैंड एग्रीकल्चरल है बट वो एग्रीकल्चरल के लिए यूज ही नहीं कर, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आ जाएगी। ठीक है, और इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड रही तो वो कैपिटल एसेट होता है। ठीक है, और चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में एक और चीज याद में लिख लेना है अपने को, इस पे का जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(15). ठीक है, मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट है ही नहीं, इसको आपने ट्रांसफर करा तो आपको कैपिटल गेन होगा ही, साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी आपका क्या एग्जम्प्ट रहेगा, वो भी आपका एग्जम्प्ट रहेगा IFOS के अंदर। ठीक है, मतलब टैक्सेबल नहीं रहता है, सेक्शन 10 इसको एग्जम्प्ट कर देता है। ओके, यहाँ पे जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होंगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ जी, जल्दी बोलो, है कोई डाउट बताओ, कोई डाउट है, एनी डाउट? चलिए चलता हूं। ये पहला पॉइंट है एनी प्रॉपर्टी का, ये जनरल है। दूसरा एक स्पेसिफिक है, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और वो इंडियन कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज हेल्ड कर रहा है एज पर सेबी गाइडलाइंस, तो भैया वो सिक्योरिटीज उसका कैपिटल एसेट रहेगा। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑलवेज कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट रहेगा, चाहे वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करे, चाहे वो एज अ इन्वेस्टमेंट हेल्ड करे। और इसीलिए यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड के एक्सेप्शन में दे रखा है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यूनिट इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, ये दिन या इसके बाद में अगर कोई यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान इशू करा है जो एग्जम्प्ट नहीं है सेक्शन 10(10)(d) में,
जो सेक्शन 10-10D में एग्जाम नहीं है वो आपका कैपिटल है। बात सुनना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, आपने कोई यूलिप लिया और वो यूलिप 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में लिया, पहले रहा तो एग्जाम 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में लिया और वो एग्जाम नहीं है सेक्शन 10-10D में, तो एग्जाम नहीं है तो कैपिटल है और एग्जाम है तो कैपिटल एसेट नहीं है। सर एग्जाम्पशन है नहीं है पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलता है उसके प्रीमियम से। अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हो आप किसी भी प्रीवियस ईयर में, जो भी उसका टर्म है, उतने सालों में से किसी भी साल अगर 2.5 लाख के ऊपर का प्रीमियम आपने पे कर दिया तो 10-10D का एग्जाम्पशन गायब, और एग्जाम्पशन गायब तो वो कैपिटल, समझ लो। देखो यूलिप कैपिटल एसेट है कि नहीं है पता कैसे चलेगा? तो पहले चेक करना कि यूलिप्स 10-10D में एग्जाम्प्ट है कि नहीं है। अगर एग्जाम्प्ट है तो कैपिटल एसेट नहीं है, और एग्जाम नहीं है तो कैपिटल एसेट है, ठीक है। अब सर एग्जाम्प्शन पता कैसे चलेगा? तो बोलते हैं जो आपने प्रीमियम पे करा है उसकी जितना भी सालों का यूलिप ले रखा है आपने, एक भी साल में अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा पे कर दिया तो वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, और एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा तो कैपिटल एसेट हो, ठीक है। और सेकेंड चीज, अब लोग क्या करेंगे 2.5 लाख के वजह से, लोग बोलेंगे मैं 3 पॉलिसी देता हूं, तो बोल दिया दूसरा पॉइंट डाल दिया, अगर टोटल प्रीमियम एग्रीगेट प्रीमियम जितनी भी पॉलिसी आपके पास है उन सबका अगर एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर चले गया किसी भी साल में तो भी वो एग्जम्पशन गायब, एग्जम्पशन गायब कैपिटल एसेट हो गया है, खत्म है। तो इस तरीके से कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को मैंने इस बार 3 पार्ट में डिवाइड करा, पहला जनरल, दूसरा FIIs की सिक्योरिटीज और तीसरा यूलिप, ठीक है। जनरल में क्या है, एवरी प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट 4, पहला क्या है स्टॉक इन ट्रेड रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल स्टोर, दूसरा क्या है मूवेबल पर्सनल एसेट एक्सेप्ट ज्वेलरी और वर्क ऑफ आर्ट, तीसरा क्या है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, और चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये 4 चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। ये जनरल, दूसरा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं इंडियन कंपनी के अंदर सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से तो वो हमेशा कैपिटल एसेट रहेगा, चाहे वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड भी क्यों ना हेल्ड कर रहे हो। और तीसरा आया है इस बार 1 फरवरी 2021 या उसके बाद में आपने कोई यूलिप ले रखा है और वो 10-10D में एग्जम्प्ट नहीं है तो आपका कैपिटल एसेट है। तो 10-10D में एग्जम्प्ट कब नहीं रहता, जब उसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ऊपर या किसी भी साल में जितने साल के लिए आपने ले रखा है, और एग्रीगेट प्रीमियम सारी पॉलिसीज का मिला के 2.5 लाख के ऊपर गया तो भी एग्जम्प्शन गायब हो जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो मेरे को जल्दी बोलो मेरे को समझ में आया। और मेक श्योर ये वीडियो आप अपने दोस्त भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे नालायक होते जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दे रखी थी सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर का डेफिनेशन दे रखा है। ट्रांसफर के अंदर आता है सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, आप एसेट को बेच रहे हो, आप एसेट को एक्सचेंज कर रहे हो, आप एसेट को रिलिंक्विश हो गया, आपका एसेट रिलिंक्विश हो गया मतलब एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो भी वो ट्रांसफर माना जाएगा। ये डिस्ट्रॉय होने के वजह से ही सेक्शन 45(1)(a) स्पेशल चार्जिंग सेक्शन आया है, ठीक है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स इन द एसेट, मतलब ये पॉइंट कहता है एसेट जिंदा है, गर्लफ्रेंड जिंदा है पर मेरी नहीं है, और ये वाला पॉइंट क्या कहता है रिलिंक्विशमेंट वाला, गर्लफ्रेंड ही बन गई, ठीक है। बट कंपलसरी एक्विजिशन हुआ ट्रांसफर माना जाएगा। आपका कैपिटल एसेट आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा, सेक्शन 45(2) में टैक्सेबिलिटी आती है इसकी, 0 कूपन बॉन्ड मैच्योरिटी हो गई है रिडीम करवा लिए तो भी वो ट्रांसफर माने जाएंगे। 6 वाला पॉइंट है, अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रहे हो अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 53A ऑफ टोपा, मतलब क्या है भैया, प्रॉपर्टी अगर पूरी की पूरी होने की लीगली उसके नाम बट सब्सटेंशियली आपने उसको दे दिया, सब्सटेंस और फॉर्म का कंसेप्ट लगाएंगे, वो बुआ जो फॉरेन में गई उसका एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ जी, और 7th वाला पॉइंट कहता है भैया, 7th वाला पॉइंट कहता है इसके अलावा कोई भी और ट्रांजेक्शन जिसका इफेक्ट है ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपने अपना कोई शेयर ट्रांसफर कर दिया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में था, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और ये शेयर ट्रांसफर करने की वजह से क्या हो गया आपका जो फ्लैट है उसका पोजीशन भी ट्रांसफर हो गया। पहले मेरे पास शेयर था सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो मेरे पास में वो फ्लैट, अब मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिया तो मैंने फ्लैट नहीं ट्रांसफर करा, शेयर ट्रांसफर करा। जैसे कि आप लोग जानते हैं शेयर की आपके पास ओनरशिप नहीं आती, आप उसके डीम्ड ओनर रहते हो क्योंकि आपके पास फ्लैट की आपके पास ओनरशिप नहीं आती, आप शेयर के ओनर रहते हो, ये जानते हैं सारे बच्चे, रिवीजन के अंदर मेरे को लगता नहीं ये करवाने की जरूरत है, ठीक है। और सर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी इंटर लेवल की एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको चिल भी ले सकते हो आप, ओके सर। आप मैराथन तो लेंगे ना इंटर वालों के लिए? हाँ जी सर, ये मैराथन का ही पार्ट है, इसी को मर्ज करके मैराथन डाल दिया जाएगा,
बिग फैन कह रहे हैं बच्चे, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी वीडियो देख देख कर जिंदा है, क्या बात कर रहे हो सर। ठीक है, चल बच्चे भी अलग ही लगा देते हैं। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, दो टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, बट कुछ कुछ कैपिटल एसेट है जो 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो 24 महीने में बड़े हो जाते हैं। तो 12 महीने में बड़े होने वाले 4 एसेट है, बराबर है, 12 महीने में बड़े होने वाले 4 एसेट है, मतलब इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने एक दिन हो गया तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। पहला है इसके अंदर लिस्टेड शेयर्स, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। दूसरा है इसके अंदर लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन बॉन्ड्स, सॉरी अदर देन यूनिट्स, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स। और यूनिट्स क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दो ही यूनिट आते हैं 12 महीने में बड़े होने वाले, यूटीआई और ईओएमएफ के। यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और ईओएमएफ मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और चौथा जीरो कूपन बॉन्ड। ये चार चीजें ऐसी है जो 12 महीने में ही बड़ी हो जाती है, याद रखनी चाहिए आपको चार चीजें। पहला इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है सॉरी पहला है लिस्टेड शेयर्स, दूसरा है लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, तीसरा है यूनिट्स के अंदर दो ही यूनिट्स, कौन से, पहला यूटीआई का और दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का, और चौथा है जीरो कूपन बॉन्ड। ये चार 12 महीने में बड़े हो जाते हैं, 24 महीने में बड़े होने वाले दो ही चीजें, अनलिस्टेड शेयर्स और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग। तो याद रखना अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीने में बड़े होते हैं, लिस्टेड शेयर्स 12 महीने में बड़े, लिस्टेड सिक्योरिटीज 12 महीने में बड़ी होती है, और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जैसे अनलिस्टेड डिबेंचर्स वगैरह है तो वो 24 महीने में बड़े नहीं होते हैं, वो 36 मंथ्स में ही बड़े होते हैं। तो ये जो एसेट दे रखे हैं 12 और 24 महीने वाले, ये चार और ये दो छह, ये दो छह एसेट्स को छोड़ के बाकी जो भी सारे एसेट्स हैं वो 36 महीने में बड़े होते। बड़ा होना मतलब क्या है, अरे लॉन्ग टर्म होना। सर क्या फर्क पड़ता है, शॉर्ट टर्म एसेट बेचोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म एसेट बेचोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करें ये दे रखा है यहाँ पे सेक्शन 48 में। तो सबसे पहले अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए, विच कैन बी सेम कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो सेक्शन 50 सी लगेगा, याद होगा आपको। ठीक है, सेल कंसिडरेशन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में से आप एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर में ये याद होगा आपको कि भैया एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर में क्या आता है, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, कमीशन वगैरह वगैरह आता है, बट इसके अंदर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एक्सचेंज एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर में नहीं आता। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर माइनस करा आपका आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, एसेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रहा तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे, और एसेट अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आपने एसेट परचेज करा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब अगर एसेट परचेज करने के बाद आपने उस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का सवाल सिर्फ बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आ सकता है, जैसे आपने एक फ्लोर का बिल्डिंग लिया फिर उस पर एक और फ्लोर बनाया तो जो दूसरा फ्लोर बनाने की कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आते हैं, याद रखना है। ठीक है, ओके। हेलो कहने वाले बच्चे, मैं बहुत बढ़िया हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, ये सारी चीजें इसमें आ गई। देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 50 सी लगता है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ही, बाकी एसेट के लिए सेक्शन 50 सी नहीं लगता। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर माइनस करोगे नेट सेल कंसिडरेशन आएगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ेगा। अगर एसेट लॉन्ग टर्म रहा तो इंडेक्सेशन लेने के बाद वाली कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर एसेट लॉन्ग टर्म रहा तो इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन होगा और ये आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आ जाएगा। इसके बारे में चीजें दे रखी है कि अगर कंसिडरेशन इन काइंड मिलता है, पैसे नहीं मिले मेरे को, इन काइंड कुछ चीज बदले में मिल गई तो जो मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू मेरे लिए एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। कंसिडरेशन कम है ज्यादा है उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर में क्या आता है, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, लिटिगेशन एक्सपेंसेस। नोट दे रखा है यहाँ पे भैया, नोट दे रखा है सबके लिए, क्या नोट है, स्टैंप ड्यूटी पेड इज नॉट डिडक्टेबल, कैपिटल गेन में स्टैंप ड्यूटी का डिडक्शन नहीं मिलता। यह आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं होगा, एनी एक्सपेंडिचर एडेड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा। मतलब मैंने एक एसेट लिया 25 लाख और उसको ट्रांसफर करवाने के लिए मेरे को चार्जेस लग गए,
भैया मेरी जेब से तो पैसे गए, तो वो मेरे कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। दिशा वाला एक क्वेश्चन था, दिशा तेजू वाला एक क्वेश्चन था अपने बुक के अंदर, आपको याद होगा बराबर। अगर कोई मॉर्गेज है तो मॉर्गेज को डिस्चार्ज करवाने के लिए आपने पे करा है तो वो भी आपके कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में क्या लिखा है, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा। और किस साल इंप्रूवमेंट करी है वो रेलेवेंट नहीं है, मतलब इंडेक्सेशन इंप्रूवमेंट कितने टाइम पहले करी है इस हिसाब से नहीं मिलता। एसेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन मिलेगा, एसेट शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, काहे का इंप्रूवमेंट। ओके, फिर यहाँ पे आपको चेक 654 सीरीज देखना पड़ेगा। तो देखो भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन कैसे लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू जिस साल ट्रांसफर करा उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस साल परचेस करा था उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, बराबर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द एसेसी इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर ये एसेट 1/4/2001 के पहले लिए हुआ है, 2001-2002 से पहले लिए हुआ है, तो अपने पास CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2002 से ही है, तो वो केस के अंदर अपने को इंडेक्सेशन मिलता है 2001-2002 से, पर क्योंकि पहले के टाइम का अपना इंडेक्सेशन छूट गया तो वो अपने को ऑप्शन देते हैं कि भैया आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हो। समझ में आया है, ये तो याद होगा यार सबको, ठीक है। और अगर प्रीवियस ओनर से एसेट आपको मिला है सेक्शन 49(1) के मोड से, तो इंडेक्सेशन कहां से मिलेगा, जहां से प्रीवियस ईयर ने होल्ड कर रखा था। तो ये चीजें यहां पे दे रखी है, ठीक है ना। हां जी, अब देखो यहां पे लिखा है व्हेन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 2001-2002। अरे भैया 2001-2002 के पहले लिया तो, क्योंकि इंडेक्सेशन जो है ना ये 2001-2002 से अवेलेबल है, तो जिसने 2001-2002 के बाद में लिया है, जैसे किसी ने 4-5 में लिया तो उसको 4-5 से इंडेक्सेशन मिल जाएगा। बट अगर किसी ने 1995-96 से लिया है तो बेचारे को इंडेक्सेशन तो 2001-2002 से मिलेगा, तो पहले का क्या करना। तो बोले ठीक है रो मत, जब से तेरे को इंडेक्सेशन मिल रहा है ना 1/4/2001, इस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू देख ले। और अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू तेरी कॉस्ट से ज्यादा है, जैसे कॉस्ट आपकी है 60,000 और फेयर मार्केट वैल्यू आ रहा है 120,000, तो बोले 120,000 को तो अपनी कॉस्ट मान के इस पर इंडेक्सेशन ले ले हमसे, तो जो टाइम गैप है वो फिल कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंस इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फ्रॉम 2001-2002, वी विल हैव अ गैप लेफ्ट फॉर द अर्लियर पीरियड एंड दस वी विल लूज इंडेक्सेशन फॉर सच पीरियड, व्हाट टू डू। यहाँ लिखा है ऑप्शन टू टेक FMV आ गया। अगर कैपिटल एसेट को 1/4/2001 के पहले लिया है आपने, तो आपके पास ऑप्शन है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 को आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हो, और ये ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, मतलब आपका फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो गया तो आप ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एक अमेंडमेंट आया हुआ है कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू का आपको ऑप्शन है, ये फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती 1/4/2001 की। जैसे क्या बोल रहे हो सर, मैं समझू, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 60,000, ठीक है, आपका फेयर मार्केट वैल्यू आ रहा है सब 1,00,000, ठीक है, बट जो इसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो है सिर्फ 90,000, क्योंकि आपने 1/4/2001 के पहले लिया, आपके पास ये ऑप्शन है एफएमवी को लेने का। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ये अपने को मालूम है कि अपन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को गिनते हैं, बट ये ऑप्शन तो एफएमवी का दे रखा है, तो बाद में उन्होंने अमेंडमेंट लाया कि ये जो एफएमवी है ना ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हो। यहाँ पे लिखा है फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इफ फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेकन एज एफएमवी shall not exceed stamp duty value. Stamp duty value shall be taken as FMV shall not exceed stamp duty value. ये FMV stamp duty value से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? ये option not available है दो cases में, एक तो intangible asset और दूसरा depreciable asset. Goodwill या उसके जैसे intangible assets में नहीं है ये option available 1/4/2001 की FMV लेने का, plus दूसरा depreciable asset पे भी ये option available नहीं है मेरे बच्चों। ये इससे time gap fill हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में लिखा है भैया, ये तो सबको मालूम है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तभी लेना है जो 1/4/2001 के बाद का है। क्यों सर, 1/4/2001 के पहले का तो एफएमवी में आ जाएगा ना भाई, समझा सर। प्रीवियस ओनर ने लिया है तो मतलब इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने कराया तो लेते हैं, बट कब, जब 1/4/2001 के बाद में करवाए, पहले करवाए तो सर वो एफएमवी में चले जाएगा। इन केस ऑफ गुडविल या
गुडविल ऑफ बिजनेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जीरो होता है, गुडविल के अंदर एक और फ्लोर चढ़ा सकते हैं? नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कंसेप्ट है ना, ये मोस्टली किसके लिए आता है मालूम है? लैंड एंड बिल्डिंग या सिर्फ बिल्डिंग के लिए। आपने सुना है क्या मैंने शेयर खरीदे और उसमें और 2 रुपए की इंप्रूवमेंट करवा दी? नहीं होता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकाली गई? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय जिस साल इंप्रूवमेंट करवाया उस साल का प्रीवियस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनटू जिस साल ट्रांसफर करवाया उस साल का। ठीक है, याद रखना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन करने के बाद या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करने के बाद जो फिगर आ रहा है वो ओरिजिनल से ज्यादा आना चाहिए, नहीं तो उल्टा कर दूंगे, कॉस्ट कम करवा दूंगे। ठीक है, यस और नो? यस और नो? धड़ाधड़ बोलो यार। No taxation available in following cases, even if these assets are long-term asset. ठीक है, इसका मतलब क्या है? भैया मैंने आपको क्या बोला? Asset अगर long-term रहा तो indexation मिलता। But यहाँ पे ये 6 ऐसे assets है, जो चाहे long-term भी क्यों ना हो जाए, इनका indexation नहीं मिलेगा। 6 assets ऐसे जो long-term भी हो जाए, इनका indexation नहीं मिलेगा। पहला है 0-1 bond, दूसरा है debentures या bonds, पहला 0-1 bond नहीं मिलेगा, दूसरा debentures या bond, इनका indexation नहीं मिलेगा। But 2 bonds ऐसे है जिनका मिल जाता है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोरिन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोरिन गोल्ड बॉन्ड, इनका इंडेक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप लिख के रख देना इंडेक्सेशन मिलेगा इनका, ये दोनों का ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा फर्म सेल नहीं मिलता है हमको मालूम है, हमने स्लम सेल का कैलकुलेशन देखे हुआ है। चौथा डेप्रिशिएबल एसेट नहीं मिलता हमको मालूम है, डेप्रिशिएबल एसेट पे जो कैपिटल गेन होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता है। शेयर्स या डिबेंचर जो नॉन रेसिडेंट एक्वायर करता है यूजिंग फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, ये भी याद होगा। और लास्ट वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं 112A वाले, इनमें से भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता। प्लस एक और चीज याद रखना, इनमें से रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी नहीं मिलता। हाँ, लिख के रख देना, लिख के रख देना प्रियांशी। ठीक है, तो भैया 6 चीजें ऐसी है जिनका इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा इवन इफ ये लॉन्ग टर्म क्यों ना रहे। पहला क्या है, देखो मेरे को ये याद है कि जिनका कंप्यूटेशन मैं अलग से करने वाला हूँ वो डेप्रिशिएबल एसेट का नहीं मिलता, स्लम सेल का नहीं मिलता, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 नॉन रेसिडेंट को शेयर या डिबेंचर का नहीं मिलता। ये तीनों को तो नहीं मिलता क्योंकि इनका कंप्यूटेशन हमने अलग से देखे हुआ, डेप्रिशिएबल एसेट्स, नॉन रेसिडेंट के शेयर या डिबेंचर, और तीसरा डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन रेसिडेंट के शेयर या डिबेंचर, और तीसरा स्लम सेल, इनके कैलकुलेशन अलग से देखे हुए, और तीन का और नहीं मिलता। तीनों शेयर टाइप के, पहला जीरो पॉइंट बॉन्ड, दूसरा डिबेंचर्स अमाउंट, और तीसरे शेयर्स 112A वाले। ठीक है, क्लियर, डन है सर। तीन जिनका अलग से पड़ेगा, तीन जो सिक्योरिटीज टाइप है, बॉन्ड्स, जीरो पॉइंट बॉन्ड, डिबेंचर्स या बॉन्ड, या तीसरे शेयर्स, कौन से? 112A वाले, 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल, इन पे भी नहीं मिलता, ये याद रखना। ठीक है, हाँ, अगर आपको एडवांस मनी मिला, एडवांस मनी क्या होता है सर ये मत पूछना, कोई ऐसा नलायक होगा जो ये पूछ रहा होगा सर एडवांस मनी क्या होता है, ये अभी नहीं बता पाऊंगा, रिविजन है। एडवांस मनी आपको मिला, आपने फोरफिट कर लिया, तो पहली बात याद रखना है डेट ऑफ फोरफीचर ध्यान में रखना है, कब एडवांस मनी मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट ऑफ फोरफीचर ध्यान में रखना है, आपने फोरफिट कब करा। अगर आपने 1 अप्रैल 2014 या उसके पहले फोरफिट, सॉरी 1 अप्रैल 2014 के पहले फोरफिट करे, मतलब 31 मार्च 2014 तक, मतलब प्रीवियस ईयर 13-14 तक जो भी अमाउंट फोरफिट किया है किसी ने, तो वो अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस होता है, ओरिजिनल कॉस्ट से रिड्यूस होता है, वो एडवांस फोरफिटेड, और बचा हुआ अमाउंट पे इंडेक्सेशन मिलता है। जैसे आपकी कॉस्ट है 2 लाख, ठीक है, और 2 लाख में से आपने 50,000 का एडवांस फोरफिट करा, तो 2 लाख में से 50,000 का एडवांस माइनस होगा 1.5 लाख, और 1.5 लाख का आपको मिलेगा इंडेक्सेशन। ये कब की बात है? 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर फोरफिट करा है तो, बट अगर फोरफिट 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद में करा है तो क्या होता है, डायरेक्टली जिस साल एडवांस मिला उस साल आपके हाथों में IFOS में टैक्सेबल हो जाता है। दूसरी चीज, अगर प्रीवियस ओनर ने एडवांस फोरफिट करे हुआ है तो उसका आपके कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, आप उसको अच्छे से इग्नोर कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, कोई आपत्ति बच्चों, कोई आपत्ति बोलो जल्दी। हाँ भाई, अभी क्या करना है आपको, आपको है ना ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस, सॉरी पूरे के पूरे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, ये रिवीजन वीडियो देखने के बाद आराम से अपने से। मैं अभी आपको पढ़ने को टाइम नहीं दे सकता, रेगुलर लेक्चर नहीं है, मैं तो रेगुलर लेक्चर में भी टाइम नहीं देता, बोलता घर पे पढ़ के।
ठीक है। 50 सी का क्या लोचा है सर? सेक्शन 50 सी बड़ा आसान है। सेक्शन 50 सी कहता है, पहली बात तो मैं लगूंगा सिर्फ प्लान एंड बिल्डिंग पे, जो एज अ कैपिटल एसेट होल्ड करके रखे आपने, अगर एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करे हुए हैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो 43 सीए लगता है, 43 सीए लगता है, ठीक है। हाँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट। तो भैया देखो एक्चुअल क्या आता है इसमें, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर, बट मार्जिन कितने का है? 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का मार्जिन है, याद है आपको ये बात। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा रहा, एक सेकंड हो जाइए, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन, चार्ट बुक खोलो, मैं स्क्रीन एक मिनट में चालू हो जाए। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा रहा तो क्या होगा? भैया आपने ज्यादा दिखाया, भर दो ज्यादा पे टैक्स, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मानेंगे, बरोबर। बट एक 10% का मार्जिन है, जिसको याद होगा, 10% का मार्जिन है, याद है क्या आपको? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? 10% का मार्जिन है, और ये 10% क्या का है? एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का है। अगर आपको याद होगा तो ये 10% भैया एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का है, मतलब एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मानेंगे, 10% का मार्जिन दे रखा है। इसके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से कम है तो भैया हम वो केस में फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को नहीं लेंगे, हम वो केस में एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। किसी को आपत्ति है इसमें? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो। इसके एग्जाम्पल देने पड़ते क्या? भाई देखो भाई, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख, आपका एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख नहीं है, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 53 लाख, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है 50 लाख, तो बोलते हैं भैया ये 50 लाख है ना, इसका 110% है, 110%, अब ये कितना होता है 50 लाख से, लाख का 110% 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपए से कम है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हाँ, तो फिर ये केस में अपन एक्चुअल सेल कंसीडरेशन। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख से ज्यादा है, मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से ज्यादा है तो वो केस में अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। जिसको लिख के रखना है लिख के रख दो, यहाँ पे नीचे जगह दे रखिए। अगर इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल सेल कंसीडरेशन इनटू 110%, ये लिख के रख दो जिसको लिखना है। ये ऊपर मैंने लिख रखा है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन या उससे कम है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इक्वल्स टू एक्चुअल सेल। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लिख के रख दो ये, लिख के रख दो ये, कोई शर्माने की तो बात है नहीं उसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद एक वैल्यूएशन ऑफिसर वाला फंडा आता है, बीच का बंदर, याद है आपको बीच का बंदर? कहानी याद है, रोते रोते असेसिंग ऑफिसर ने ज्यादा बोला, रोते रोते वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया, उसने वैल्यूएशन ऑफिसर ने कम बताया तो मैंने उसको गले लगा लिया, बोला आप ही मेरे भाई हो। दूसरा केस था, असेसिंग ऑफिसर ने बोला 50 मैंने बेचा 40 में, असेसिंग ऑफिसर ने बोला 50, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया, वो बोलता है 60, मैंने कहा हट भग यहां से, फिर मैं वापस आया एओ के पास, मैंने बोला भैया आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा प्लीज, तो मैंने 50 पे टैक्स भर दिया। बीच का बंदर, पीसी नोट दे रखा है बीच का बंदर, क्या करना है? एक्चुअल सेल कंसीडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू, तीनों जहां पे है वहां पे आपको तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और जो बीच का फिगर है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 50, 75, 85, क्या है बीच का? ये बीच का है तो ये हो गया 50, 75, 55, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना, 55 बीच में आएगा तो ये 75, 50 और 45, 45, 50, 50 बीच का है तो 50 पे, ओके, गॉट इट, यस। फिर एक और पॉइंट आता है, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है और उस पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी अलग है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना, तो आपको देखना है डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले कोई आपको टोकन बुकन या एडवांस मिला है क्या, वो भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या टेस्ट प्लेसेबल मोड में। अगर आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट या उसके पहले
अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या कोई भी ट्रेसेबल मोड से एडवांस मिला है, टोकन मिला है, थोड़ा सा तो पेमेंट मिला है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे, और नहीं मिला तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेदर पेमेंट रिसीव ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक, यस, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, पर नहीं मिला है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके ये एग्जाम्पल दे रखे, ये एग्जाम्पल सेम टू सेम अपने कंसेप्ट बुक वाले, ये सेम टू सेम अपने कंसेप्ट बुक वाले एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई आपत्ति बच्चा वाड़ी? ट्रेसेबल मोड, हाँ ये होगी ना बात, ट्रेसेबल मोड बाबू मेरे, ट्रेसेबल मोड मतलब अरे जिसका पता चल जाए कैश और अकाउंट बैलेंस चेक छोड़ के, बैलेंस ड्राफ्ट छोड़ के कैश गायब हो जाती है, बैलेंस चेक गायब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ स्पेशल कैपिटल गेन्स है सेक्शन 45 के, ये सेल नहीं है एक्चुअली, ये सेल माने गए हैं, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन में सिर्फ वॉलेंटरी ट्रांसफर नहीं, इनवॉलेंटरी ट्रांसफर भी दे रखी है, जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा, तो भैया ये डीम सेल है, एक्चुअल में हमने सेल नहीं करे। अब हमने सेल नहीं करे तो हमने सेल कंसिडरेशन है नहीं हमारे पास, तो आपको सेल कंसिडरेशन क्या है, तो इसके अंदर आपको भैया याद रखना सिर्फ सेल कंसिडरेशन ध्यान में रखना है, बाकी चीजें सारी की सारी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 50 सी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 50 सी उस चीज के लिए एप्लीकेबल है जहां पे आप ज्यादा में बेच रहे हो, दिखा कम में रहे हो, बट यहाँ पे तो हम बेच ही नहीं रहे तो दिखाने की बात ही नहीं आती। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 45 बने, याद होगा आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट में क्या कह रहे हैं, आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपको बोल दिया ट्रांसफर है, क्योंकि रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफर की डेफिनेशन में डाल रखी है, तो आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया मतलब रिलिंक्विश हो गया, दबा हो गया, फना हो गया, निस्तारभूत हो गया, तो भैया ये आपका कैपिटल गेन लग गया, ट्रांसफर हो गया, कैपिटल एसेट कैपिटल गेन लग गया। आपने बोला सेल कंसिडरेशन क्या है, तो उन्होंने बोला जो इंश्योरेंस कंपनसेशन आपको मिलेगा वो सेल कंसिडरेशन है, और इस पर टैक्स कब भरना है, जिस साल आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उस साल टैक्स भरना है, बट इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा, जब तक एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तब तक ही। ठीक है, ओके, 45(2) क्या है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये आपका एसेट है पर ये अब आपका कैपिटल एसेट नहीं है, तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ ये मानते सर सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, तो जिस दिन कन्वर्ट करवाया कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए सेल कंसिडरेशन रहेगा। कैपिटल गेन कब लगेगा सर, जिस दिन ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा उस दिन कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, उस साल ये कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। और सर इंडेक्सेशन तब तक मिलेगा, नहीं, इंडेक्सेशन डेट ऑफ कन्वर्जन तक ही मिलेगा, ईयर ऑफ कन्वर्जन तक ही मिलेगा, समझे? 45(3) 45(4) उड़ा दो, ये एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है सर, आ गया तो ये देखो यहां पे इतने सिंपल भाषा में दे रखा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं भैया उड़ा दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी आपको लगता है आपको पढ़ना है तो बिल्कुल यहां पे मैंने दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट और पॉइंट आता है सेक्शन 45(5), क्या था 45(5), याद करो 45(5) था कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन में सेल कंसिडरेशन क्या रहता है, जो गवर्नमेंट आपको इनिशियल कंपनसेशन देती है। इंडेक्सेशन कब तक मिलता, कब तक मिलता है, जब तक एसेट कंपल्सरी एक्वायर हुआ। कैपिटल गेन भरना कब है, जिस साल कंपेंसेशन मिला, अगर कंपेंसेशन पार्ट में मिला तो जब पहला इंस्टॉलमेंट मिला तो पूरे के पूरे कैपिटल गेन पे टैक्स भरना पड़ेगा। ये बात हुई इनिशियल कंपेंसेशन की। अब अगर कंपेंसेशन बढ़ा के मिला तो कंपेंसेशन एनहांस कर दिया, तो ये केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जीरो, क्योंकि पहली बार जब आपने निकाला ना इनिशियल कंपेंसेशन में कैपिटल गेन वहां पे कॉस्ट माइनस कर चुके थे, तो एनहांस्ड कंपेंसेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जीरो आता है। लिटिगेशन एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, साथ ही यहां पे एक चेंज आया था, आपको याद है पहली बार इन्होंने जब पहला इंस्टॉलमेंट मिला था इनिशियल कंपेंसेशन का तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्स लगा दिए थे, तो मैं कोर्ट में गया था एनहांस कंपेंसेशन के साथ, मैंने वहां पे जज को ये भी बोला था कि साहब ये है ना आधा पैसा देते और पूरे अमाउंट के कैपिटल गेन पे हमसे गरीब से टैक्स देते, तो कोर्ट ने क्या बोला था कि ये एनहांस कंपेंसेशन जो प्रपोर्शन में मिलेगा उसी प्रपोर्शन में टैक्स भरना पड़ेगा। याद है आपको ये बात, हाँ, यहां पे देखिए
ओके सर, ओके ओके 45.5 डन। 45.5A, 45.5A क्या था? स्पेसिफाइड अग्रीमेंट। स्पेसिफाइड अग्रीमेंट मतलब अरे एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है, वो अपनी लैंड देता है किसी रियल एस्टेट बिल्डर को, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाता है और बदले में इसको क्या देता है? पैसे नहीं, इसको अभी पैसे नहीं देता, जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब फ्लैट स्कीम बन जाएगी तो उसके कुछ फ्लैट और कुछ कैश ये दे देगा इसको। तो कैपिटल गेन कब होगा? जिस साल वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस साल ये बंदे को जिसने अपनी लैंड या बिल्डिंग दिया है उस साल टैक्सेबल रहेगा, बराबर है? हाँ, याद है आपको? सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा? तो जो फ्लैट्स मिल रहे हैं इसको, जो फ्लैट्स इसको मिल रहे हैं उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस अगर कैश मिली तो कैश की वैल्यू, ठीक है ना? हाँ है ना? सेक्शन 45.5A किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ को। काय पे लगता है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट क्या है? जिसके अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है वो अपनी लैंड एंड बिल्डिंग किसको ट्रांसफर करता है? किसी रियल एस्टेट डेवलपर को, जो उसके बदले लैंड एंड बिल्डिंग के बदले या लैंड के बदले इसको क्या देता है? शेयर इन द प्रोजेक्ट, ठीक है? और उसके लिए सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा? जो प्रोजेक्ट में उसको शेयर मिल रहा है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और अगर कैश मिल रही है तो कैश, ठीक है? कब टैक्सेबल रहता है? जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया वो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का, तब तक। मतलब ये एक रिलैक्सेशन है आपको कि जब आपके पास वो शेयर आ जाएंगे तभी आपको टैक्सेबल होंगे, बट अगर आपने बीच में कर दिया चूल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल, आपने बीच में कर दिया चूल, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के पहले ही आपने वो फ्लैट जो आपके पास आने के हैं किसी को बेच दिए। कैसे हो सकता है? मैंने किसी को जमीन दिया, वो मेरे को 10 फ्लैट देने वाला है उस प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपके पास आया, मैंने बोला भाई सुन 2 साल के बाद मेरे पास 10 फ्लैट आने वाले, वो फ्लैट की कीमत रहेंगी 1.25 करोड़, तेरे को अभी मैं 80 लाख में देता हूँ, लेता क्या? आप बोले हाओ। मतलब मैंने क्या करा? कंप्लीशन होने के पहले ही वो एक फ्लैट बेच दिया, तो वो एक फ्लैट का कैपिटल गेन मेरे को लग जाएगा, समझे? तो इसलिए चूल नहीं करना, इवन इफ यू आर ब्यूटीफुल। वेरी गुड, क्या बात है सर, इसी बात पे लाइक हो जाए, एक लाइक तो बनता है यार। ओके सर, ये तो हो गया केस, इसके केस में। हाँ, अगला कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ लिस्टेड शेयर्स, ठीक है? लिस्टेड शेयर क्यों कह रहे हैं भैया? ये पहले वाला हेडिंग है लिस्टेड शेयर, अब ये लिस्टेड शेयर नहीं रहे। कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ लिस्टेड हटा दो यहां से, लिस्टेड हटा दो यहां से, कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। सुनो, बायबैक आपको शेयर होल्डर को कैपिटल गेन कब लगेगा? जब सेक्शन 46A लगेगा। और जब सेक्शन 46A कब लगता? जब कंपनी टैक्स नहीं पे करती बायबैक, कंपनी टैक्स पे करेंगी तो शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट है सेक्शन 1034A के अंदर, याद होगा आपको। और अगर कंपनी ने टैक्स पे नहीं करा, कंपनी टैक्स पे करती है 23.296%, और अगर कंपनी ने पे कर दिया, कंपनी ने पे कर दिया तो शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट है सेक्शन 1034A के अंदर बायबैक पे का टैक्स। और अगर कंपनी ने टैक्स नहीं पे करा, कंपनी को अगर बायबैक पे टैक्स नहीं लग रहा है तो शेयर होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा, और शेयर होल्डर का टैक्स आएगा कैपिटल गेन्स के हेड में, और वो कैपिटल गेन्स का यहाँ से 46A से निकालते हैं। आपने परचेस करा था तो वो आपकी परचेस प्राइस, और जितने में उन्होंने आपसे बायबैक करा वो आपका सेल कंसीडरेशन, बराबर? बायबैक जितने का करा वो आपके लिए सेल कंसीडरेशन है। देखो, शेयर चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अगर डोमेस्टिक कंपनी ने खरीदे तो डोमेस्टिक कंपनी टैक्स भरेगी 23.296% से, और क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक वाले शेयर पे टैक्स भर दिया, आपके लिए सेक्शन 1034A में एग्जम्प्ट है, ठीक है? बट अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो वो टैक्स नहीं भरेंगी बायबैक पे, आपको टैक्सेबल रहेगा। और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की बात करें तो कोई भी कंपनी ले, डोमेस्टिक अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी कंपनी ले तो वो टैक्स नहीं भरती और शेयर होल्डर को टैक्सेबल रहता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक केस में, यहाँ पे पीसी नोट के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है, और वो जगह इसलिए छोड़ी है कि आपको यहाँ पे लिखना है बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है तो शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट रहेगा, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A टू शेयर होल्डर। और बाकी हर केस में शेयर्स के अलावा या डोमेस्टिक कंपनी के अलावा, शेयर्स के अलावा कोई भी सिक्योरिटीज ले रही है, जैसे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या आता है सर? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। वो कोई भी कंपनी बायबैक कर रही है, कंपनी टैक्स नहीं भरेगी, शेयर होल्डर को टैक्स।
शेयर होल्डर सेक्शन 46A में क्या एप्लीकेशन निकालेगा जिसके लिए उसका सेल कंसिडरेशन विल बी जो बायबैक प्राइस है वो याद है आपको आया ना बोले यार इसका क्वेश्चन करे इसको अपन ने बढ़िया शानदार से। हाँ जी जी वैल्यूएशन ऑफिसर के पास सब जा सकता है या आप खुद से पढ़ सकते हैं बिल्कुल रिविजन के अंदर थ्योरी नहीं करवाऊंगा मैं टैक्स है भाई लॉ थोड़ी है कि रिविजन के अंदर थ्योरी भी करो। कितना टाइम हुआ भैया चालू करके एक ऑलमोस्ट अपना आधा हो गया धड़ाधड़ एक दो तीन चार आधा हो गया ठीक है अभी एक दो मिनट पांच मिनट का ब्रेक ले लो लेना चाहते हो तो नहीं लेना चाहते हो तो मत लो मैं ले ठीक है ना और पांच मिनट के ब्रेक के बाद आज खत्म करने वाले कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा मैक्सिमम पौने दो दो घंटे लगेंगे मैक्स बहुत हो गया ठीक है क्योंकि मेरे को लगता है कैपिटल गेन्स में कुछ ऐसी याद रखने वाली चीजें नहीं है सब कुछ लॉजिकल है तो क्लास के अंदर अपना बहुत स्मूथली हो रखा है ठीक है तो अभी एक पांच सात मिनट का ब्रेक लेते हैं चालू करते हैं वापस से 9:25 ठीक है और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसके लिए तो कंटिन्यूएशन में ही रहेगा ठीक है 45 मिनट्स का ब्रेक नहीं नहीं 45 मिनट अच्छा वो मनकरण कह रहा है 45 मिनट्स हो गए तो दो बच्चे नहीं नहीं दो बच्चे क्यों बोल रहे हो भाई 9:25 पे फिर से वापस
यस एवरीवन वी आर बैक, दो मिनट बाकी आ जाओ वापस। चलिए यस चलो वेलकम बैक आफ्टर द क्विक ब्रेक गाइस। चलिए ठीक है, अब ये तो अभी तक जो केसेस पड़ी है अपन ने यहां से यहां तक, ये स्पेशल केसेस थी कई की सेम कंसीडरेशन के, क्योंकि ये एक्चुअल सेल नहीं था, डीम्ड सेल था। बट अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लफड़ा है तो क्या करें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लफड़ा है तो क्या करें, मतलब एसेट हमने नहीं खरीदा या खुद बनाया है, जैसे गुडविल के केस में, गुडविल ट्रेडमार्क ब्रांड नेम राइट टू मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा, ये चीजें अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो रहेगा। अगर ये परचेस करे हुए तो जितने में आपने परचेस कराए वो परचेस प्राइस रहेगी। और तीसरा, अगर ये आपको सेक्शन 49(1) के मोड से मिले हैं तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वो आपके लिए बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्लस इसमें नोट करने वाली ये बात है कि ऑप्शन टू टेक एफएमवी ऑन 1/4/2001 अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि आप लोग जानते होंगे 1920 प्रीवियस ईयर 1920 से गुडविल पे अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो जो गुडविल आपने 1920 के पहले लिया है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालना। जैसे आपने प्रीवियस ईयर 1718 में गुडविल लिया है तो 1718 में डेप्रिसिएशन मिला होगा, 1819 में डेप्रिसिएशन मिला होगा, 1920 में 3 साल डेप्रिसिएशन मिले हुआ है आपको। तो ये पॉइंट कहता है कि अगर गुडविल आपने लिया है जिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करा है तो कॉस्ट ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू परचेस प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। गॉट इट? यस। स्वेट इक्विटी शेयर्स या इक्विटी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपको मिल रहे तो वो केस में आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, एफएमवी ऑन एक्सरसाइज डेट, ये सैलरी पे भी पड़ रखा है अपन ने, बरोबर है ना? यस। बोनस शेयर की कॉस्ट क्या रहती सर, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो होती है, बट अगर बोनस शेयर 1/4/2001 के पहले लिए तो ऑप्शन टू टेक एफएमवी जिंदा हो जाएगा, तो वो केस में एफएमवी ऑन 1/4/2001 अपनी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी केस इसके अंदर वो आएगी जो 1 फरवरी 2018 या उसके बाद वाले पहले वाले शेयर्स, 1 फरवरी 2018 या उसके पहले वाले शेयर्स, तो वहां पे सेल कंसिडरेशन का पॉइंट आ जाएगा जो आगे अपन 112A में पढ़ने वाले। ठीक है, शेयर्स जिसके पास राइट है उसने खरीदे तो जितना इश्यू प्राइस है उतना, राइट शेयर्स किसी को उसने राइट बेच दिए, जैसे मेरे पास राइट शेयर्स खरीदने के राइट्स आए थे तो मैंने आपको राइट्स बेच दिए, तो राइट की कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी, जीरो। राइट की कॉस्ट मेरे लिए थी जीरो, मैंने आपको 10 रुपये में बेचे तो 10 रुपये का पूरा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि राइट शेयर्स एक्सरसाइज करने का टाइम 12 महीने या उससे कम ही छूटा है। ठीक है, दूसरी चीज, आपने अगर ये शेयर खरीदे राइट शेयर्स तो आपने 10 रुपये मेरे को दिए, 150 रुपये कंपनी को दिए, तो आपके लिए कॉस्ट हो गई 160 रुपये, और अगर मैंने खुद ने डायरेक्टली शेयर्स कंपनी से खरीदे तो मेरे लिए कॉस्ट हो गई 150 रुपये। ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा। ठीक है बच्चा भाई, यस और नो, यस और नो लेडीज एंड जेंटलमैन, यस। अब कुछ मिसलेनियस केसेस है, स्पेशल केसेस कैपिटल गेन कंप्यूट करने के, जैसे सबसे पहला सेक्शन 50B, सेक्शन 50B स्लम सेल का सेक्शन है, इसके अंदर अपन ने पहले ही याद रखा है कि भैया इसमें डिसेशन नहीं मिलता। स्लम सेल में क्या होता है, आप इकट्ठा सारे के सारे एसेट बेच दोगे तो जो आपके पास सेल कंसिडरेशन रहेगी वो रहेगी सारे के सारे टोटल एसेट्स की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है नेट वर्थ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है नेट वर्थ। नेट वर्थ कैसे निकालोगे सर, आप नेट वर्थ निकालोगे आप टोटल एसेट्स का वैल्यू उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो रिवैल्यूएशन के वजह से चेंज हुआ है उसको इग्नोर करना है, रिवैल्यूएशन के वजह से जो भी चेंज हुआ है उसको इग्नोर करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेक्शन 50B स्लम सेल का सेक्शन है, पहली चीज इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, दूसरी चीज अगर
आप कोई रिवैल्यूएशन करे हो किसी एसेट के अंदर, तो वो रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर दो। मतलब क्या है, 50,000 की चीज आपने 80,000 पे रिवैल्यू करी थी, तो जब आप नेटवर्क निकालोगे तो ये एसेट तो 50,000 ही लेगा, ठीक है। ओके, नेटवर्क मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है सर, नेटवर्क होता है। नेटवर्क कैसे निकालोगे, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट कौन से वैल्यू पे लेना, तो एसेट तीन टाइप के इसके अंदर है। पहला है डेप्रिशिएबल एसेट, उसको WDV पे लेना। दूसरा है 35AD वाला, या ऐसे एसेट जिन पे पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिल चुका है उसको जीरो लेंगे। और तीसरा अदर देन, ये दो ना डेप्रिशिएबल है ना 100% डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड है, तो उसको लेंगे बुक वैल्यू पे, उसको लेंगे बेटा बुक वैल्यू पे, ठीक है। ओके, ये आ गए टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लायबिलिटी माइनस। अगर अंडरटेकिंग 36 महीने या उससे कम यूज करे हुआ है तो शॉर्ट टर्म होगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म होगा। एसेट की वैल्यू कैसे निकालनी, देखो 35AD वाले एसेट है तो उसकी कॉस्ट जीरो, उसकी वैल्यू जीरो लेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट है तो WDV लेंगे, और अदर एसेट से तो बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है। एक अमेंडमेंट आया हुआ है यहाँ, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अमेंडमेंट आया, ठीक है। आपने इकट्ठा पूरा का पूरा अपना बिजनेस बेच दिया 70,00,000 रुपए का, ठीक है, 70,00,000 रुपए का पूरा का पूरा बिजनेस भी। तो पहले तो ये होता था सेल कंसिडरेशन 70,00,000 ही मानते, बट अब एक नया पॉइंट देखा है उन्होंने, अब बोलते हैं जो सारे कैपिटल एसेट है, कौन से है, जो सारे कैपिटल एसेट है, जो आपके कैपिटल एसेट है उनका फेयर मार्केट वैल्यू लो, या जो आपको सेल कंसिडरेशन मिला है वो लो, दोनों में से जो हायर है वो आपका हो गया सेल कंसिडरेशन। जैसे आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 70,00,000, और जो आपके सारे कैपिटल एसेट है उनका फेयर मार्केट वैल्यू आ रहा है 90,00,000। 90,00,000 रुपए को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, समझे आया ना? ये सर समझ गया बिल्कुल, ओके। ये दूसरा फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, इसका भी जिक्र कहा करा है, इंडेक्सेशन नहीं मिलता वहां पे इसका जिक्र करा है। यहाँ पे लिखे हुआ भी है भैया कि इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये लॉन्ग टर्म भी रहे तो भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके सर, तो ये काय के लिए रखता है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट शेयर या डिबेंचर्स ले रहा है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई नॉन रेसिडेंट शेयर या डिबेंचर्स ले रहा है फॉरेन करेंसी को यूज करके इंडियन कंपनी के अंदर, तो आपको पहली बात इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, दूसरी बात फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 लगेगा, ठीक है। सेल कंसिडरेशन में से लायबिलिटी माइनस होंगी ना, क्या बोलते हैं एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होंगी ना? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, जो सेल कंसिडरेशन है वो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन या जितने भी कैपिटल एसेट है उनका फेयर मार्केट, ठीक है। ये सेल कंसिडरेशन आ गया, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, नेटवर्थ, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, समझ रहे, मन कर क्लियर है बेटा। मैं बता देता हूं लिख के, देख क्या होता है, सेल कंसिडरेशन उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके, तो सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, अब सेल कंसिडरेशन रहेगा हायर ऑफ पहला एक्चुअल सेल कंसिडरेशन या दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल एसेट, ठीक है। ये आ गया आपका सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, जो सारे एसेट्स है उसमें से लायबिलिटीज माइनस करके, ठीक है। अब एसेट्स में तीन टाइप के एसेट्स हो सकते हैं, एक दो तीन, पहला 35AD वाला एसेट, इसका वैल्यू जीरो लेंगे, दूसरा डेप्रिशिएबल एसेट, इसका WDV लेंगे, और तीसरा अदर्स, दोनों के अलावा इनका बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये एसेट की वैल्यू आ गई टोटल, ऐसे मिला के उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो ये नेटवर्थ आ जाएगा, जो कि अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है। क्लियर है मंकर? यस, ठीक है, ओके। अब आ जाए सर फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 पे, क्या कहता है फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, अगर कोई नॉन रेसिडेंट शेयर या डिबेंचर एक्वायर करता है यूजिंग फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी, तो भैया फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 लगेगा। फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 सबसे पहली चीज ये कहता है कि इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा सर, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी यूज तो कर रहा है बट वो जो एक्चुअल में शेयर लेगा वो लेगा रुपीज के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर फॉरेन करेंसी में नहीं ले सकते, इंडियन डिनोशंस की कंपनी, इंडियन डिनोशंस में ही लेने पड़ते, इंडियन करेंसी में लेने पड़ते। तो सुन लो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा सेल कंसिडरेशन, आपको दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
एक्सपेंसेस और ट्रांसफर भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको दी रहेंगी भैया रुपीस के अंदर। पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी में, रुपीस के अंदर दी रहेंगी, इसको कन्वर्ट करना है आपको फॉरेन करेंसी के अंदर। और फॉरेन करेंसी के अंदर सेल कंसीडरेशन को आपने कर दिया फॉरेन करेंसी में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कर दिया आपने फॉरेन करेंसी, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी के अंदर। और इस कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी को आपको फिर से ट्रांसफर करना है कैपिटल गेन इन रुपीस के अंदर, रुपीस के अंदर। तो जब सेल कंसीडरेशन को यहां से आप फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो देखो सेल कंसीडरेशन और एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में बाय यूजिंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये आ गया आपके पास कैपिटल गेन्स फॉरेन करेंसी का। अब ये फॉरेन करेंसी के कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करना पड़ेगा, आप लिख लो इसको। देखो सुनो, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको दिया रहेगा सेल कंसीडरेशन, उसमें से ये सेल कंसीडरेशन दिया रहेगा रुपीज में, ये भी दिया रहेगा रुपीज में। आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेल कंसीडरेशन इन फॉरेन करेंसी, इसको कन्वर्ट करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन फॉरेन करेंसी। यहां पे इस कन्वर्जन के लिए आप यूज करोगे एवरेज रेट, इसके लिए आप यूज करोगे एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब बाइंग पर सेलिंग बाय टू। और ये इससे सेल कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी का आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉरेन करेंसी का आ गया, अब आपके पास आ जाएगा कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। अब ये कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी को आपको फिर से कन्वर्ट करना है कैपिटल गेन इन रुपीस के अंदर। और यहां पे आप क्या यूज करोगे, यहां पे यूज करोगे आप सिर्फ बाइंग रेट, बाइंग रेट, और वो भी कब का, डेट ऑफ ट्रांसफर का। यहां पे एवरेज रेट, डेट ऑफ ट्रांसफर का, यहां पे एवरेज रेट, डेट ऑफ एक्विजिशन का, लिख के रख दो। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, क्लियर छे क्या, क्लियर है? यस, क्लियर होगा तो बताइए भाई और बहनों जल्दी से। ठीक है, ओके। और यही पूरी थ्योरी यहां पे दे रखी है, पढ़ लेना इसके बाद, ठीक है। डेप्रिशिएबल एसेट पे कैपिटल गेन कैसे निकालते सर? डेप्रिशिएबल एसेट तो डेप्रिसिएशन मिलता है, जब डेप्रिसिएशन मिलता है तब तक अच्छा है, जिस दिन डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो गया उस दिन आपको उस पे कैपिटल गेन होगा। कब होगा? डेप्रिसिएशन दो केसेस में नहीं मिलता, पहला जो ब्लॉक है उसका WDV0 एसेट है उसके अंदर, दूसरा एसेट खत्म हो गए WDV है, एसेट खत्म हो गए WDV है, ये दोनों केसेस में होता है। पहला केस आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आपने जितने भी एसेट थे उसमें से कुछ एसेट बेच दिए WDV से ज्यादा थे, जैसे मेरे पास चार एसेट थे WDV थी 50 लाख, मैंने उसमें से दो एसेट बेच दिए 60 लाख, अभी एसेट दो जिंदा है पर WDV नहीं बची है, तो यहाँ पे मेरे को अब डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन मिलने के लिए ब्लॉक के अंदर एसेट होना प्लस ब्लॉक की WDV भी हो, यहाँ पे WDV खत्म हो गई है। तो 50 लाख की चीज 60 लाख में बेची, 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, ठीक है। दूसरा केस WDV है 50 लाख की, चार एसेट्स है ABCD, मैंने ABCD चारों के चारों एसेट के बेच दिया और 40 लाख ही चाहे, तो अभी ब्लॉक की WDV है 10 लाख की पर एसेट ही नहीं बचे, तो मेरा लॉस हो गया, तो 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। मिस्टर सिंघानिया वाला क्वेश्चन दे रखा है कंसेप्ट बुक के अंदर, शानदार, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखे हुआ है, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर WDV जीरो है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, कैपिटल गेन होगा। ब्लॉक एम्प्टी हो गया, WDV जीरो नहीं हुई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। यहाँ पे नीचे लिखा है अगर सेल कंसीडरेशन सारे के सारे एसेट्स का WDV से कम है तो आपको लॉस होगा, और लॉस कितना रहेगा, सेल कंसीडरेशन में से WDV माइनस कर दो, जैसे आपने 40 लाख में बेचा 50 लाख की चीज तो माइनस 10 लाख रुपए, ये लॉस हो गया 10 लाख। क्लियर है बेटा? आया ना? स्पेस फॉर एग्जांपल इन YouTube वीडियो देखो दे रखा है ये, तो क्या करना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50 लाख माइनस 30 लाख में ए को बेचा प्लस 40 लाख में बी को बेच दिया, चार एसेट है अपने पास, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे चार एसेट है ABCD, तो दिया 20 लाख रुपए का आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा, 50 लाख का है, 10 लाख में ए बेचा, 10 लाख में बी बेचा, 15 लाख में सी बेचा,
माइनस 5 लाख में डी बेचा तो 10 लाख का आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, बरोबर है। अब नहीं बोलो जल्दी, यस सर, ओके। उसके बाद अब यहां पे हो गए खत्म, अब आते हैं बारी एग्जम्पशंस की। एग्जम्पशंस करने के पहले एक चीज बता देता हूं कि आपको तीन चीजें साथ में पढ़नी है। एक सेक्शन 49(1) का मोड्स, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, सेक्शन 49(1) वाला मोड कहता है कि भैया अगर अगर सेक्शन 49(1) में जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर दे रखे हैं उस मोड्स ऑफ ट्रांसफर से अगर आपको एसेट मिल रहा है तो आपके लिए कॉस्ट विल बी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं सेक्शन 47 वाले। सेक्शन 47 कहता है कि अगर 49(1) के मोड्स है, अगर 49(1) के मोड्स है तो देन नो ट्रांसफर, आपके लिए ट्रांसफर नहीं रहेगा एंड नो कैपिटल गेन्स, किसको कैपिटल गेन नहीं होगा, टू ट्रांसफरर, ट्रांसफरर, ट्रांसफरर को कैपिटल गेन नहीं होगा। फिर नीचे लिखना कैपिटल गेन ट्रांसफरी को होगा, क्या लिखना, जो ट्रांसफर अभी जिसको कर रहे ना अपन, जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट 49(1) के मोड्स में, तो मेरे को ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब मेरे को ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं होगा। अब आप जब ये एसेट को बेचोगे तो आपके हाथों में कैपिटल गेन ट्रांसफरी को होगा जब वह एसेट सेल करेगा, और क्योंकि आपको ये फ्री में मिले हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके लिए, ट्रांसफरी के लिए, ओरिजिनल सेल वाले ट्रांसफरी के लिए इज इक्वल टू कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, ठीक है। ये दो सेक्शन, पहला 49(1) कहता है आपके लिए, आपको अगर सेक्शन 47 वाले एग्जाम ट्रांसफर के मोड से मिला है तो आपके लिए कॉस्ट विल बी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, और सेक्शन 47 कहता है अगर 49 मोड के 1 में किसी ने ट्रांसफर करा तो उसके लिए कैपिटल गेन नहीं होगा, जो ट्रांसफर ये जब वो बेचेगा तब कैपिटल गेन होगा। और तीसरा अपनी मंजू आंटी कहती है, मंजू आंटी कौन है, मंजुला जे शाह वर्सेस सीआईटी, ये कहती है पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर इंक्लूड करो, मतलब अब जब आप एसेट बेचोगे तो इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर के होल्डिंग टाइम से मिलेगा, यस और नो बेबीज एंड बाबास, यस और नो, एकदम क्लियर है भैया मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा कुछ और क्लियर नहीं रख सकते, ठीक है। पूरा क्लियर है, सब हो गया, सब ओरिजिनल में क्या है वो देखेंगे वो छोटा ही में सब, तो हमको याद रखना पड़ेगा 49(1) में क्या है, 47 में क्या है, नहीं इसको याद नहीं रखना है भाई, ठीक है। 49(1) क्या कहता है, 49(1) कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, क्या है, पहला पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, दूसरा है गिफ्ट या विल के तहत किसी को दे रहे हो या इनहेरिटेंस के दे रहे हो, लिक्विडेशन हो रहा है, ये सेक्शन 46 है ना, लिक्विडेशन ऑफ एसेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन काइंड, ट्रांसफर करा कैपिटल एसेट किसी ट्रस्ट को या होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कर रही है या सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कर रही है, इसके अंदर एक कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, जिसको मिल रहा है जो रेसिपिएंट कंपनी है वो इंडियन कंपनी रहनी चाहिए तभी एग्जम्प्ट होगा ये ट्रांसफर, बराबर है, जो रेसिपिएंट कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, देखो लिखा है होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ओन सब्सिडरी इंडियन कंपनी या सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को दे रही है, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी इंडियन, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी इंडियन होना मतलब क्या है, रेसिपिएंट इंडियन होना। उसके बाद अमालगमेटिंग कंपनी अमालगमेटेड कंपनी को दे रही है कैपिटल एसेट इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन एग्जम्प्ट है, डीमर्जर हो रहा है मर्जर हो रहा है तो भी एग्जम्प्ट, बरोबर, यस सर। यहाँ पे नीचे लिखा है मंजू आंटी की कहानी, मंजू आंटी बॉम्बे हाईकोर्ट वाला केस था, ये कहती है मंजू आंटी की इंडेक्सेशन शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय द प्रीवियस ओनर,
तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करो, बरोबर है कि नहीं? तो जल्दी ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 46 पढ़ लेते हैं, फिर 47 पढ़ते हैं। 46 क्या कहता है कि अगर 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 कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के वक्त एसेट दे रही है जैसे के वैसे इन काइंड, कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट दे रही है जैसे के वैसे इन काइंड, तो कंपनी के लिए कैपिटल गेन नहीं होगा, कंपनी के लिए कैपिटल गेन नहीं होगा। और सर कंपनी ने अपने एसेट बेचे, जैसे मानो मैं कंपनी हूं, मेरा लिक्विडेशन हो रहा है, ठीक है, मैं आपको मेरे को आपको आपके पास शेयर्स है, मेरे को आपको 10 लाख रुपए देने, तो मैंने आपको 10 लाख रुपए मेरे एसेट बेच के 10 लाख दिए, तो जो एसेट मैंने बेचे उस पे कैपिटल गेन होगा मेरे, बरोबर कंपनी। बट ये एसेट मैंने किसी और को बेचे ना बेचे और आपको सीधे 10 लाख की बिल्डिंग दे दिया, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग मैंने ट्रांसफर करी है उस पर मेरे को कैपिटल गेन नहीं होगा, बरोबर है? हाँ बोल जल्दी, हाँ बोल जल्दी, हाँ बोल जल्दी, हाँ बोलो जल्दी भाई, हाँ बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, हाँ, तो कंपनी लिक्विडेशन जो एसेट उनने दिए हैं उसमें उनको ट्रांसफर नहीं रहेगा, उनको कैपिटल गेन नहीं होगा। बट जो शेयर होल्डर है उसके एंगल से सोचो, वो अपने शेयर दे रहा है, वो अपने शेयर दे रहा है, तो उसको शेयर पे कैपिटल गेन होगा, और उसके लिए सेल कंसीडरेशन विल बी जो एसेट मिले हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू, जो एसेट मिले हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू, और उसमें से 222C का डीम डिविडेंड माइनस करके, क्योंकि 222C का डिविडेंड IFOS में टैक्सेबल होने वाला है। जैसे याद है आपको फिगर 10,58,333 आए थे, एग्रीकल्चरल लैंड का 10 लाख और कैपिटल कैश मिली थी 58,333, उसमें से 6,58,333 का डीम डिविडेंड हो गया था 39,50,000 डिवाइड बाई 6 करके, 39,50 कैसे हुए थे, रिजर्व में 50 थे, उसमें से टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा था, प्रोविजन थी 2.5 लाख की, पर दिया था 3 लाख, तो 39,50 डिवाइड बाई 6, 110 शेयर होल्डर था मेरे पास में, याद है वो क्वेश्चन, तो इसके लिए सेल कंसीडरेशन हो गया था 4 लाख रुपए, याद होना चाहिए आपको ये, ठीक है। हाँ, तो कंपनी जब एसेट देती है कंपनी को कैपिटल गेन नहीं होता है, शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन होता है क्योंकि शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए शेयर का सेल कंसीडरेशन होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट जो उसको मिल रही है इन काइंड, उसमें से जो डीम डिविडेंड है जो उसका प्रॉफिट के अंदर शेयर था वो माइनस कर दो, जो IFOS में टैक्सेबल होने कैपिटल गेन से माइनस कर दो, और ये जो एसेट आपको मिल रहा है शेयर होल्डर को, ये शेयर होल्डर जब एसेट बेचेगा तो सेल कंसीडरेशन तो आएगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी माइनस करेगा, याद रखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू माइनस करते, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड 15 लाख में बेचा था और उसकी कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू थी 10 लाख, तो उसको 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था, याद है क्या तुमको? नहीं याद होगा तो खोल के देख लेना वो क्वेश्चन, अब भी आ रहा है, ठीक है भाई। उसके सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, दो टाइप के ट्रांजैक्शन है ए और बी। ए में क्या होता है, ओनर चेंज होता है, एसेट सेम रहता है, मतलब पहले मेरे पास एसेट था मैंने आपको गिफ्ट दिया, तो अब दो ओनर हो गए, एसेट तो सेम ही है, मैंने आपको ये बॉटल गिफ्ट करी, ये मान के चलो कैपिटल एसेट, ओनर चेंज, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी रहेगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, और मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा केस, ओनर सेम है, एसेट चेंज हुआ, मतलब मेरे पास शेयर थे, सॉरी मेरे पास कन्वर्टिबल डिबेंचर थे, अब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर कंपनी ने वापस ले लिए और मेरे को शेयर दिए, तो पहले मेरे पास डिबेंचर थे, अब मेरे पास शेयर था, तो मैं बेचूंगा शेयर्स, तो शेयर्स बेचूंगा, तो शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, तो यहाँ पे लिखे भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, और ओल्ड एसेट का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसको भी इंक्लूड करना है। इसको दो कैटेगरी में मैंने सेक्शन 47 को डाल कर, ये कैटेगरी ए कैटेगरी बी, कैटेगरी में ए में आपके पास एसेट नया आता है, सॉरी आप ओनर बदल जाता है, तो आपके लिए कॉस्ट विल बी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, और जो कैटेगरी बी है उसमें क्या होता है, ओनर सेम ही रहता है, एसेट चेंज हो जाता है, जैसे पहले मेरे पास ए कंपनी के शेयर थे, अब मेरे पास बी कंपनी के शेयर, तो वो केस में क्या होगा, वो केस में क्या होगा, तो जो मैं बी बेचूंगा उसके लिए कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ ए,
प्रीवियस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ए भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझे क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी, हाँ या ना बोलो। तो सर ए में कौन से आते हैं? ये ए में आते पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, गिफ्ट विल या होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, अमालगमेटेड कंपनी टू अमालगमेटिंग कंपनी और डीमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी। और बी में क्या आता है? बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को आप शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? आपके पास अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स गए, अमालगमेटिंग क्या है या मतलब होल्ड के गए, न्यू क्या है। तीसरा, म्यूचुअल फंड के कंसोलिडेटेड यूनिट्स, कंसोलिडेशन स्कीम में आपके यूनिट गए और नए वाले कंसोलिडेटेड स्कीम के यूनिट आए। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। ये सारी बातें हैं। तो सर ये सब याद रखना है क्या ये वाली बातें? अरे नहीं रे बाबा, ये बातें याद नहीं रखना है। कितना याद रख लो सेक्शन 47, आपकी जिंदगी बन जाए, ठीक है। एक लास्ट वाला था कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर थे 20,000 रुपए के। अब ये कंपनी ने अपना 30% हिस्सा तोड़ के नई कंपनी बना लिया, तो अब आपके पास जो शेयर्स रहे वो कितने बच गए? शेयर तो उतने ही बचे, बट अब उनकी वैल्यू 70% हो गई, क्योंकि 30% टुकड़ा तो टूट के दूसरे जगह जाते। तो भैया आपके पास 70% वाले शेयर है जिसकी वैल्यू हो गई है 14,000, और जो नया टुकड़ा बन के नई कंपनी बनी है वो कंपनी के भी शेयर आपके पास आएंगे और उसकी कॉस्ट हो जाएगी 30% ऑफ 20,000, मतलब 6,000। इस तरीके से अपन ने करा था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, बराबर है। रिजल्टिंग कंपनी मतलब नई कंपनी का कितना नेट बुक वैल्यू आफ्टर डीमर्जर, बिफोर डीमर्जर, ठीक है। और डीमर्ज कंपनी के लिए कितना डीमर्ज कंपनी के शेयर, उसमें से रिजल्टिंग कंपनी का जितना कॉस्ट अपोर्शन करे हुआ है, तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, 1,000 शेयर्स थे 20,000 रुपए के। एक्स वाई लिमिटेड को डीमर्ज कर दिया गया 25/9/2018 को, और जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट है वो थी 30 लाख। तो जो नई कंपनी है उसको 30 लाख दिए, नई कंपनी को दिया 30 लाख, तो पुरानी कंपनी के पास कितना बचा था? यहाँ पे लिखा है बिफोर डीमर्जर 1 करोड़ था, पुरानी कंपनी के पास कितना था? पुरानी कंपनी मतलब डीमर्ज कंपनी। तो डीमर्ज देखो मेरे पास क्या थे, मैं बताता हूँ, मेरे पास डीमर्ज कंपनी के शेयर थे, मेरे पास एक कंपनी के शेयर थे 20,000 रुपए, ठीक है। ये कंपनी का बुक वैल्यू था 1 करोड़ रुपए, ठीक है। बाद में कंपनी ने क्या करा, अपना 30 लाख रुपए का वैल्यू कर दिया अलग, तो 30 लाख रुपए का वैल्यू कर दिया, इससे नई कंपनी बनी। तो अब ये जो पहले वाली कंपनी थी ये थी डीमर्ज कंपनी, और जो न्यू कंपनी बनी है उसको कहते हैं रिजल्टिंग कंपनी। न्यू कंपनी जो बनी है उसको कहती है रिजल्टिंग कंपनी। तो पहले कंपनी के जो मेरे पास 20,000 रुपए के शेयर थे, जिसने अपना 30% पार्ट निकाल के दूसरे कंपनी में डाल दिया, तो इसके शेयर्स की वैल्यू अपने आप 70% हो गई ना, तो इसके शेयर्स हो गए 14,000 रुपए के। और जो नई कंपनी बनी है उसने भी मेरे को शेयर दे रखे, तो वो जो न्यू शेयर आए मेरे पास जो रिजल्टिंग कंपनी के थे, उसकी वैल्यू कितनी हुई सर? 20,000 × 30%। अब ये इसको सिंपल ऐसा बोलना ना भैया, तो ये क्या करते हैं मालूम है, फॉर्मूला लगा, ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट इनटू इसका 30 लाख / 1 करोड़, और इसमें क्या आता है 20,000 × 70 लाख / 1 करोड़। करो भैया, ये 14,000 और ये 6,000। मैं मैथ्स का टीचर हूं, आपको इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको ये ध्यान में हो। बरोबर है, जल्दी बोलो, आए ना जल्दी, धड़ाधड़। क्या मैं दो ही बच्चे, तीन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, चार बच्चे, कीर्ति, मनकरण, आशुतोष मतलब लाला और प्रियांश, ये चार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बाकी बच्चे देख के हम अस्तर खड़ा, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रही है, ठीक है ना, गॉट इट है ना? यस और नो? ये दे रखा है, रिजल्टिंग कंपनी मतलब जो नई कंपनी है उसके 6,000, और डीमर्ज कंपनी है उसके 14,000, ठीक है। फिर एक होता है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट रिमेम्बर येलो पोर्शन, ये वाला येलो पोर्शन रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, याद है आपको क्या होता है? अरे बुढ़ापे के अंदर उनको सहारा देते हैं, किनको? बुढ़े लोगों को, जिनके पास सिर्फ घर है, पेंशन नहीं आती उनको, तो उनको बोलते अपना घर गिरवी रखो और हर महीने या हर साल जैसा भी चाहिए पेंशन लेते रहो। तो इसमें तीन पॉइंट याद रखना है टैक्सेशन में। पहली बात,
जब उनको लोन मिलता है तो वो लोन उनकी इनकम नहीं रहता, वो एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 1043 में। रिवर्स मॉर्गेज के स्कीम के अंदर जो आपको लोन मिलता है वो लोन आपकी इनकम नहीं होती, सेक्शन 1043 में एग्जम्प्ट होता है। दूसरी चीज, तब आप अपना अगर बैंक को ट्रांसफर करते हो लोन लेते वक्त, तब आपको कैपिटल गेन नहीं होगा। कैपिटल गेन कब होगा? जब बैंक आपका घर बेचेंगी। ठीक है, आया ना? बोलो। तो देखो, पहली बात, रिवर्स मॉर्गेज में जब आप ट्रांसफर करते हो अपना घर तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, 47(16) क्लॉज में एग्जम्प्ट है। जो अमाउंट आपको मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है 1043 में। और बाद में कैपिटल गेन कब अराउज होता है? जब घर आपका बैंक बेचती है लोन रिकवर करने के लिए। गॉट इट? यस। एलएलपी अगर जनरल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा, कोई कैपिटल गेन नहीं रहेगा। बस कंडीशन ये है कि जो पार्टनर्स के पहले राइट थे बाद में भी वही होगा। बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो तो कैपिटल गेन अराइज होता है। ठीक है सर, कैसे होता वो फाइनल का सिलेबस, ठीक है ना, इंटर में नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा। पैसे सिर्फ इंटर के दिए थे, याद है आपको? हाँ, ओके। यस, डन है। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा एग्जम्पशन। एग्जम्पशन पांच पूछते हैं, पहला है 54, दूसरा है 54B, तीसरा है 54D, चौथा है 54EC और पांचवा है 54F। याद होंगे तो बता दो 54 क्या कहता है। 54 कहता है भैया घर के बदले घर। 54 कहता है घर के बदले घर। जो बच्चा नया है पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो चीजें मैं बोल रहा हूँ पांच बार पढ़ लेना। इतना आसान कैपिटल गेन किसी ने नहीं पढ़ाया। 54 क्या कहता है? घर के बदले घर, मतलब घर बेचो उस पर कैपिटल गेन हुआ, वो एग्जम्प्ट करना चाहते हो, नया घर खरीद लो। ठीक है, 54B क्या कहता है? 54B कहता है जमीन के बदले जमीन। 54B कहता है जमीन के बदले जमीन। जो जमीन बेच रहे हैं वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना, क्योंकि रूरल नहीं तो कैपिटल एसेट है ही नहीं है और कैपिटल गेन होगा ही नहीं। तीसरा 54D ये कहता है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के बदले इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, और वो भी कंपलसरी एक्विजिशन वाला, मतलब आपके इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है और 45(5) के अंदर आपका कैपिटल गेन कंप्यूट करा गया है, तो उस कैपिटल गेन को अगर एग्जम्प्ट करना चाहते हो तो नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लो। ठीक है, 54EC कहता है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग के बदले चार बॉन्ड्स। कौन से चार बॉन्ड्स? NHAI, REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये चार बॉन्ड्स खरीद लो भैया। और 54F क्या कहता है? किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट के बदले घर। ठीक है, यहाँ पे चारों में एब्सोल्यूट होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन होता है। चारों में एब्सोल्यूट होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन होता है। इसका कंपेरेटिव एनालिसिस अभी करते हैं गपाके से अगले पेज पे। इसके लिए मेरे को चाहिए आपके पास चार्ट रहे पक्का। ठीक है, 54 में क्या है? अच्छा, दो सेक्शन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ है। अरे भैया घर के बदले घर, घर का एग्जम्पशन किसको देंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ को। जमीन का एग्जम्पशन किसको देंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ को। घर लेने का एग्जम्पशन किसको देंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ को। तो तीन ऐसे सेक्शन है, एक 54, 54B और 54F। ये तीनों का एग्जम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही मिलेगा। अगर याद होगा तो मैंने क्लास में लिखवाया था ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, ये तीन सेक्शन। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ, एनएएससी, 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 इंडिविजुअल एचयूएफ, बराबर। उसके बाद कौन सा एसेट ट्रांसफर करना है? घर। और लॉन्ग टर्म का भी बताया था, लॉन्ग टर्म ओनली सेक्शन 54 के अंदर और सेक्शन 54EC के अंदर और सेक्शन 54F के अंदर। ये तीन सेक्शन के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म चलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म रहे तो नहीं मिलेगा। और इसका एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने बुक के अंदर जिसमें गपक गए थे आप बोले सर 5,00,000 रुपए एग्जम्प्ट है, शॉर्ट टर्म है, 5,00,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था तो बोले एग्जम्प्शन मिल जाएगा। मैंने बोला था बेटा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा तो उसमें ही मिलता है, तो एग्जम्प्शन नहीं मिला था, याद होगा क्वेश्चन में। तो बोलो हाँ ना। तो भैया ये तीन सेक्शन ऐसे 54, 54B, 54F सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेंगे। क्यों सर? 54 में घर के बदले घर है, घर किसका रहता है? इंडिविजुअल एचयूएफ का, कंपनी का थोड़ी घर रहता। 54 भी जमीन के बदले जमीन, जमीन कौन लेता है? एग्रीकल्चर लैंड कौन लेता है? इंडिविजुअल एचयूएफ।
खेती करेगी कंपनी, और कर भी लिए तो हम एग्जम्पशन नहीं देना चाहते। टाइम करो भाई तुम। हाँ, 54F एनी अदर एसेट के बदले घर लेना है। अब घर कंपनी को लेंगे तो ही एग्जम्पशन देंगे, और ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पर, कंपनी को थोड़ी देने वाले। और ये तीन सेक्शन 54, 54EC और 54F, इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म्स होते, शॉर्ट टर्म रहे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 54 में क्या ट्रांसफर करना है, घर लेना क्या है, घर ट्रांसफर क्या करना है, घर लेना क्या है, घर लेना है। ठीक है, ये 54 कौन किसको मिलता है, इंडिविजुअल एचयूएफ को। बेचना क्या है, घर लेना क्या है, घर। ठीक है, कितने साल के अंदर लेना है, अगर घर परचेस कर रहे हो तो एक साल पहले या दो साल बाद ले सकते हो ट्रांसफर के। कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जिस दिन ट्रांसफर करा उसके तीन साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। चालू कब करा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 साल पहले चालू कराए, ठीक है, तीन साल के अंदर कंप्लीट कर लो, एग्जम्पशन मिल जाए। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट है इसके अंदर खास वाला, याद होगा तो आपको, कितने घर लेना है, अगर 2 करोड़ या उससे कम का कैपिटल गेन है तो 2 घर चलते, और 2 करोड़ से ज्यादा का है तो 1 ही घर ले सकते। और ये जो 2 घर लेने का ऑप्शन है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, मतलब किसी भी एक पहले ही साल, एक ही साल में आप 2 घर ले सकते हो। जैसे इस साल आपको जयपुर वाला याद होगा, जयपुर पुणे का एग्जम्पशन, इस साल आपको 1,90,00,000 का कैपिटल गेन है, आपने 1 करोड़ का एक घर लिया, 90,00,000 का एक घर लिया, ठीक है, 2 घर ले लिए, पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा 1,90,00,000। दूसरे साल या 10 साल बाद वापस आपको 1,90,00,000 का कैपिटल गेन हुआ, तो वो केस में आपको एक ही घर का ऑप्शन है, ये 2 घर का ऑप्शन सिर्फ पहली बार है, एक ही जो बार है, ठीक है, एक ही जो बार है। एक और सवाल ये हो सकता है सर कि पहली साल में हमने बेचा, हमको 1.5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, हमने 1 घर लिया, तो फिर बाद में आगे के साल में आप 2 घर ले सकते हो। मतलब ये 2 घर का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि पहली बार लेना है, बट एक ही जो बार ले सकते, ठीक है। हाँ, कितना एग्जम्पशन मिलता है, कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस, व्हिचएवर इज लोअर, 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ, 40 लाख का घर ले लो, एग्जम्प्ट हो जाएगा 40 लाख, 30 लाख का लिया तो 30 लाख एग्जम्प्ट, ठीक है, ओके। अब लोगों ने घर खरीदा, 40 लाख का एग्जम्प्शन करवाया, घर खरीदा और जैसे ही एग्जम्प्शन मिला वैसे घर बेच दिया, तो बोलते भैया ऐसा नहीं चलेगा, आपको कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। और जब नया कैपिटल गेन कंप्यूट करूंगे तो जो घर आपने न्यू वाला ले रखा है जिसको आपने बेच दिया, तो 40 लाख का आपने घर लिया था उसमें से 40 लाख पूरे एग्जम्प्ट हो गए थे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी हो जाएंगी 0, और जितने में भी आप बेचोगे पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, यस और नो, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। 54B में क्या है, जमीन के बदले जमीन, कौन सी जमीन बेचेंगे, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, क्यों सर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचा तो, अरे वो कैपिटल ऐसे रिच नहीं होता। तो 54B के अंदर सुन लो, 54B के अंदर बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक्शन 54B के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो गया भाई, सेक्शन 54B क्या बोलता है, जमीन के बदले जमीन, मतलब आपने अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है और न्यू लैंड खरीद रहे हो, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, तो जो आपको ओल्ड एसेट बेच के कैपिटल गेन हुआ है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इसके अंदर एक बात याद रखना, ओल्ड एसेट जो है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो रहा, क्यों सर, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है, तो उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन वैसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचे, नया लैंड खरीदो, और कब तक खरीदो, 2 साल के अंदर खरीदो, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। बट अगर नया एसेट आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब क्या है, देखो आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा और उसके बदले रूरल एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, ठीक है, और ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो सर ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आपका कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन होगा ही नहीं। ये यहाँ पे लिखे हुआ, इफ न्यू एसेट इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचो, उस पे जो कैपिटल गेन होता है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लो, और बाद में ये भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेच दो, पर क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड बेचना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए लोग जनरली इसमें नहीं घुसते, ठीक है। 54D, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, तो नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लो,
और कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर, बट क्योंकि आपका ये कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है तो 3 साल कहां से लेना है, डेट ऑफ ट्रांसफर से नहीं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन से। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। 54EC कोई भी एसेट आप कोई भी एसेट को मिल जाएगा, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो और लैंड एंड बिल्डिंग के बदले ये 4 बॉन्ड्स खरीदते हो, कौन से 4 बॉन्ड्स, NHAI, RECL, PFC, IRFC, ठीक है। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। हाँ, ये पहले 3 साल में रिडीमेबल हुआ करते थे, बट आजकल ये 5 साल तक रिडीमेबल नहीं होते। ये कितने टाइम में खरीदना है, 6 महीने के अंदर। प्लस इसके अंदर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड उसके नेक्स्ट ईयर मिला के। याद करो मैंने वो एग्जाम्पल बताया था आपको, मेरे बर्थडे वाला 24 फरवरी को बेचा, याद है, इस साल 50 लाख और अगले साल 50 लाख करके 1 करोड़ का ले लेते, तो उन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट डाला कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 लाख इन प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर। गॉट इट। हाँ, लॉक इन पहले 3 ईयर का था, अब ये 5 ईयर का हो गया है, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए। और 54F में क्या है, 54F में कहते हैं भैया, अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हो घर छोड़ के और नया घर खरीदते हो इंडिया में, तो एग्जम्पशन मिलेगा, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन। सर, एनी एसेट अदर देन हाउस क्यों है, क्योंकि घर बेच के घर खरीदा तो 54 में पूरा एग्जम्पशन लो ना, या प्रोपोर्शनेट क्यों लेते हो भाई, या प्रोपोर्शनेट क्यों लेते हो। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या है, अगर आपको अपना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाना है तो पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा एग्जम्प्ट। देखो 100 लाख का है आपका नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है, उसमें से आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 40 लाख रुपए का, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख। तो अब क्या बोलते हैं, आप ये 60 लाख अगर एग्जाम करवाना चाहते हो, अरे यार रुक जाओ, ठीक है, फॉर्म में मेरे हाथ से वही बंद हो जाता है ये स्क्रीन का। हाँ, बहुत धड़ाधड़ हो गया आज, ठीक है। जैसे देखो आपका नेट सेल कंसीडरेशन है 100 लाख, ठीक है। हाँ, स्क्रीन आगे गई, 100 लाख का नेट सेल कंसीडरेशन है, 40 लाख का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 60 लाख। तो बोलते हैं ये अगर 60 लाख का आप एग्जाम करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा 100 लाख नेट सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे याद रखना फॉर्मूला क्या बन जाता है, Exemption is equals to investment in new asset into cost of acquisition upon net sale consideration। मैं इसको बोलता हूँ रेशो निकाल दो, जैसे यहाँ पे देखो net sale consideration और cost of sorry long term capital gain नहीं भाई, long term capital gain upon net sale consideration का रेशो निकाल दो। जैसे यहाँ पे देखो 60 लाख 100 लाख मतलब 60% का रेशियो है, तो जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसका 60% एग्जम्प्ट रहेगा। जैसे आपने इन्वेस्ट करा 50 लाख, तो एग्जम्प्ट कितना रहेगा, 50 लाख डिवाइड बाय 60 × 100, तो भैया एग्जम्प्ट रहेगा 60% ना, 30 लाख रुपए। इसके क्वेश्चंस कर रखे होंगे बहुत सारे। हाँ, ठीक है, डन भाई। पाप लगेगा उन नलायकों को जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, उनकी बीवी तीसरे दिन शादी के भाग जाएगी, ठीक है। प्रोपोर्शनल एग्जम्पशन, और इसका लिख के दे रखा है मैंने यहाँ पे, देखो 54F में, टू गेट एग्जम्पशन ऑफ होल कैपिटल गेन यू नीड टू इन्वेस्ट होल नेट सेल कंसीडरेशन प्रोपोर्शनल एग्जम्पशन, यहाँ पे अलग दे रखा है, ठीक है ना, अलग दे रखा है मतलब कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड ऊपर लिखे हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इधर लिखे हुआ है, तो आप इसको कर देना अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसीडरेशन, ठीक है। प्लस याद रखना आप सिर्फ एक ही घर खरीद सकते हो इंडिया के अंदर, और उसकी भी कंडीशन ये है कि आपके पास एक और घर नहीं होना, मतलब एक घर है आपके पास, आप दूसरा घर ले रहे हो एग्जम्पशन मिलेगा, आपके पास दो ऑलरेडी घर है आप तीसरा घर ले रहे हो नहीं जमता।
लेने के बाद में नया घर बना लिया। देखो क्या हो गया, मेरे पास एक घर था, मेरे को मालूम है 54F का एग्जम्पशन लेना है अपने को, तो मैंने दूसरा घर ले लिया, एग्जम्पशन मिल गया। और ये घर लेने के बाद में एक साल के अंदर एक और घर बना लिया, मतलब तीन घर हो गए। बोले भागो यहां से, जो एग्जम्पशन लिया है वो वापस दो हमको, समझे? ये देखो लिखा है, पहली बात तो आपने नया घर तीन साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो एग्जम्पशन वापस देंगे। दूसरा बोलते आपने दो साल के अंदर एक और घर खरीद लिया तो भी वापस लेंगे, और तीन साल के अंदर नया घर बना लिया, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी बना लिया तीन साल के अंदर, तो भी आपका एग्जम्पशन वापस ले लिया। क्लियर है? हाँ। इस पे और ज्यादा बहुत ज्यादा वाला डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइनल के अंदर, बहुत ज्यादा वाले डिटेल में, ठीक है? हाँ भाई, ये वो रखा है अपना। हाँ, 54 के लिए कुछ स्पेशल नोट्स है। दो घर बेच के एक घर खरीद सकते हो, मतलब एक घर बेचा 40 लाख का कैपिटल गेन और दूसरा घर बेचा 60 लाख का कैपिटल गेन, दोनों मिला के 1 करोड़ का नया घर खरीदा, एक घर खरीदा तो मिल जाएगा पूरा का पूरा 1 करोड़ का एग्जम्पशन मिल जाएगा। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रेलेवेंट है, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रेलेवेंट है, कब शुरू करें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 साल पहले करो। और लीगल टाइटल जरूरी नहीं है, बेनिफिशियल ओनर रहे तो भी काम चल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। 54EC और EE के लिए, जैसे आपको बोला, एक सेकंड लाइट गया है, आपको बोला आपने बॉन्ड्स ले लिए, आपको क्या बोला, आपने बॉन्ड्स ले लिए और एग्जम्पशन ले लिया। अब ये बॉन्ड्स आपने कहीं गिरवी रख दिए, या इसको लोन सिक्योरिटी रख के लोन ले लिया, या ये बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर लिया, तो बोलते जमेंगा नहीं, हम आपका एग्जम्पशन वापस ले लेंगे, हम आपका एग्जम्पशन वापस ले लेंगे। Got it? Yes. उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला कंसेप्ट आता है। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या कहता है कि भैया जिस साल आपको कैपिटल गेन हुआ उसके 5-6 महीने के अंदर आप रिटर्न भरोगे, ठीक है? पर रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम तो 3 साल का दे रखा है हमने कि भैया 3 साल के अंदर घर बना लो, पर रिटर्न के अंदर आप एग्जम्पशन फेल कर रहे होंगे। जैसे मेरे को कैपिटल गेन हुआ 120 लाख रुपए का, अब मैं रिटर्न भरने वाला था प्रीवियस ईयर का, आपने ऑब्वियस है रिटर्न भरना पड़ेगा 5-6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर। यहां तक मैंने घर खरीदा नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट है 3 साल की। मैंने बोला भैया मैं खरीदने वाला हूं, बोले हम कैसे भरोसा करें? तो उन्होंने एक अकाउंट बनाया, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इस अकाउंट के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट कर देना है, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरते तक इन्वेस्टमेंट नहीं करा है नया एसेट में, तो बोलते कोई बात नहीं, जितना टाइम है उतने टाइम के अंदर कर लेना, पर क्योंकि अभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एग्जम्पशन नहीं दे सकते, तो आप एक काम करो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा डाल दो, आपको हम ये बेसिस पे दे देंगे कि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डाल। बट ये एप्लीकेबल नहीं है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसके लिए, सेक्शन 54EC के लिए, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट सिर्फ 6 महीने की, ठीक है? तो बाकी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। आपने इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा डाले हुआ है वो यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। जैसे मैंने बोला कि मैं घर लेने वाला हूँ उस पैसों से, तो घर ही ले सकता हूँ, जमीन लेने वाला हूँ तो जमीन ही ले सकता हूँ, ठीक है? ओके। और सर आप मर गए, मैंने पैसे डाले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में और मैं मर गया, तो मेरे बच्चे को ये पैसे मिलेंगे और उसके लिए ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं रहेगा, उसके लिए ये रहेगा उसका स्टेट जो उसके हाथों में टैक्सेबल नहीं रहेगा। गॉट इट? यस और नो? यस और नो बताओ। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, रेट ऑफ टैक्स, लास्ट वाला पॉइंट रेट ऑफ टैक्स। ये तो हमको सबको पता है रेट ऑफ टैक्स। अपन क्या करेंगे, कैपिटल एसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक इक्विटी शेयर्स जिन पे एसटीडी पेड है, या दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, क्योंकि ये दोनों पे जो भी कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो अलग रहता है। फिर उसके बाद में तीसरा अदर एसेट्स, बाकी अदर एसेट्स, ये इक्विटी शेयर पे
या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे बेच रहे हो, मतलब जिस पे आप एसटीडी पे कर रहे हैं, उन पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो सेक्शन 112A लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 111A लगता है। सेक्शन 112A का रेट क्या है, 10% अबाउ 1 लाख, ठीक है। इसकी दो फीचर खासियत है, एक इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता और दूसरा इसमें 87A का रिबेट नहीं मिलता, ये इनकम में से 87A का रिबेट नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो फ्लैट 15%, ठीक है। अदर्स अदर एसेट में एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है जो आपके अदर एसेट्स है, जो आपके अदर एसेट्स है उसमें एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अदर एसेट्स को बेच के, वो आता है सेक्शन 112 के अंदर, और 112 के अंदर फ्लैट 20% रेट है। और अदर एसेट्स पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपकी नॉर्मल इनकम मानी जाती है और वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है, ठीक है। ये 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 तीन सेक्शंस के लिए, कौन से 112A प्लस 111A प्लस 112, ये तीन सेक्शन के लिए भैया कुछ इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, ठीक है। मेरे को पता नहीं आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मेरे से पढ़े होंगे तो मैंने बता रखा है। इसमें पहला चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते, दूसरा अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट होती है। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहां से निकालेंगे सर अपन, अगर आपकी इफ टोटल इनकम आपकी, अगर टोटल इनकम अदर देन ये तीन छोड़ के 111A, 112A और 112, ये तीन कैपिटल गेन छोड़ के जो आपकी इनकम है दैट इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जैसे आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की और आपकी अदर इनकम से, ये तीन सेक्शन को छोड़ के आपकी जो अदर इनकम है वो आपकी अदर इनकम है 1 लाख रुपए की, तो भैया हम कहेंगे कि आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अनएग्जॉस्टेड कितना है, 1,50,000 रुपए का। और इसके अलावा आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 6 लाख रुपए का, तो क्या रहेगा सीन, ये 1.5 लाख पहले माइनस कर दो और 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस होंगे, बचे हुए 4.5 लाख रुपए पे 20% का टैक्स लगेगा। और ये जो माइनस कर रहे हैं ना 6 में से 1.5 लाख, इसको कहते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट होना। क्या कहते हैं, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट होना। गॉट इट, यस और नो? बस इतना ही है, बता दिया मैंने सारा का सारा मेन चीजें। अब सर पूरा अंदर से, वो रेगुलर लेक्चर नहीं है, मैंने पहले ही कह रखा है, ठीक है। ये जिसको करना है वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूलिप 111A वाले, तो इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 15% पे टैक्सेबल है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट अवेलेबल है, और ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल है, याद रखना। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट है वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF को अवेलेबल है, चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 10% अबव 1 लाख, नो चैप्टर 6 से डिडक्शन, ये हाँ। प्लस इसमें एक और बात आती है, क्या आती है याद है आपको, IFSC, इसके अंदर ये कंसेशनल रेट कब है, जब आप एसपीडी पे कर रहे हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। बट जो IFSC के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पे एसपीडी लगता है, इसलिए तो बोलते हैं IFSC में टेंशन मत लो, नो एसपीडी रिक्वायर्ड। एसपीडी नहीं भी रहा तो भी हम उनको कंसेशनल रेट दे देंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ट्रेडिंग हो रही है। गॉट इट सर? यस यस और नो? यस। प्लस 112A के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उनका पहली बात इंडेक्सेशन नहीं मिलता, 87A का रिबेट भी नहीं मिलता, और इनमें जो बोला है ना एसटीडी पे करना है, एसटीडी पे करना है, तो शेयर्स के लिए एसटीडी परचेज और ट्रांसफर दोनों के वक्त परचेज पे करना, मतलब वो शेयर जो आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से लिए एसटीडी पे करा, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे एसटीडी पे करा, वही कंसेशनल रेट के लिए एलिजिबल है।
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ओपन मार्केट से भी खरीदो, बट बेचो कहां पे, पे करते वक्त एसटीडी पे करना है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे तो ही एक्सेप्ट है, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नॉर्मल लॉन्ग इनकम रहेगी, स्लैब रेट पे टैक्सेबल रहेगी, और ये जो बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 112 वाले 20% चैप्टर 6 से डिडक्शंस नहीं मिलता, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 20% अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट अवेलेबल है, और अदर पर्सन के लिए 20% अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फंडा क्या है यहाँ बता रखा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये पूरा का पूरा दे रखा है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, मेरे हिसाब से कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया था 4.5 लाख पे 20% वाला 90,000 का टैक्स भरना पड़ेगा, वो लिख लेना, ठीक है। लास्ट पॉइंट बचे हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए खत्म करते रहो, ये देखो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया हुआ है ना 112A वाला, ये पहले 1 फरवरी 2018 के पहले सेक्शन 10(38) में एग्जम्प्ट हुआ करता, ठीक है, सेक्शन 10(38) में एग्जम्प्ट हुआ करता। तो 1 फरवरी 2018 के पहले जिस आदमी ने खरीदा, 1 फरवरी 2018 के पहले जिस आदमी ने खरीदा, समझ लो किसी ने खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, कब 2016 में, ठीक है, 2018 1 फरवरी 2018 के दिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू था 150 रुपए, ठीक है। ये आदमी ने 100 रुपए में खरीदा ये सोच के कि जब मैं इसको बेचूंगा तो इस पे जो कैपिटल गेन होगा वो मेरे को एग्जम्प्ट है, इसने जब खरीदा तो ये सोचा कि इस पे कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट है, तो ये बहाने ये कुछ था। 1 फरवरी 2018 में कब के से लेके आए भैया, अब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट पे रहेगा 10% अबव 1 लाख। अब मेरे बारे में सोचो या आप अपने बारे में सोचो, आपने 100 रुपए का शेयर लिया है ये सोच के कि इस पे जो प्रॉफिट होगा वो एग्जम्प्ट रहेगा, और 1 फरवरी 2018 को बोले अब जो प्रॉफिट रहेगा टैक्सेबल रहेगा, आप क्या बोलोगे, देखो भाई साहब रुको 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 रुको, मैं टैक्स नहीं भरूंगा। तो मोदी ने आपको बोला, बोले देख सुन सुन, ये जो 100 से 150 हुआ है ना, आज के बाद तो भैया टैक्स लगेगा, इसके बाद तो टैक्स लगेगा, इसके पहले का टैक्स देखो मैं माफ कर देता, इसके पहले का टैक्स मैं देखो माफ, ठीक है। तो मतलब अगर ये पहले पीरियड में किसी को प्रॉफिट होगा तो अपन उस पर टैक्स नहीं लेंगे, इसीलिए उनको बोला कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा ना बिफोर, अगर आपने 1 फरवरी 2018 के पहले खरीदे हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 फरवरी 2018, दोनों में से जो भी हायर है वो आपका कॉस्ट मान लेंगे, मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया। पर मोदी को एक ध्यान में आया कि किसी ने अगर भैया 100 का शेयर जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 150 का है और उसने बेच दिया भैया 130 रुपए में, 100 का शेयर है 150 का फेयर मार्केट वैल्यू है 130 में बेचा, तो ये क्या बताएगा, मेरा 20 रुपए का लॉस हो गया, अपनी इसको कॉस्ट मानेगा 20 रुपए का लॉस मांगेगा। तो मोदी ने सोचा कि भैया सारा ये मेरे को प्रॉफिट तो दे नहीं रहा है पहले का, मैं इसको लॉस क्यों बुक कर रहे, तो मोदी जी ने यहाँ पे ऑप्शन डाला सेकंड में ए और बी, बी क्या है सेल वैल्यू, बी क्या है सेल वैल्यू, ये दोनों में से जो भी लोअर है ना इसको बिठाना है एक्चुअल कॉस्ट के साथ, इसको बिठाना है एक्चुअल कॉस्ट के साथ। ये कंसेप्ट पढ़ा दिया मैंने, पढ़ाता नहीं मैं, पर मैंने बोला ठीक है बता दिया। तो भैया सिंपल सी ये बात है, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें अपन क्या बोलते हैं, बीच का बंदर, अपन क्या बोले थे याद है आपको, बीच का बंदर। ये तीन चीजें लेना, क्या एक्चुअल कॉस्ट, एफएमवी और नेट सेल कंसीडरेशन या सेल वैल्यू, तीनों में से जो भी बीच का बंदर है वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये केस में, जैसे ये केस में, तो देखो इसका क्वेश्चन ही कर लेते एक, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू है
1 फरवरी 2018 को 150 रुपए नेट सेल कंसीडरेशन है, बेचा है 130 में। तो देखो सर 50 रुपए का प्रॉफिट, इस पे वो टैक्स देना नहीं चाहता है, तो मोदी जी इसको 20 रुपए का लॉस नहीं देना चाहेंगे। तो मोदी जी बोलेंगे तेरे लिए डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होंगी, 130 रुपए, ठीक है। और कैपिटल गेन कितना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन तो मिलता नहीं इसमें, तो कैपिटल गेन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 130 है, बेचा भी 130 में, तो 100 रुपए का कैपिटल गेन होगा, कोई कैपिटल गेन नहीं, उसको लॉस भी बुक नहीं करने दिया, पहला केस। दूसरा केस 100 रुपए का खरीदा, 150 का फेयर मार्केट वैल्यू है, बेचा 170 में, तो उसके लिए कॉस्ट क्या हो गई, एक्चुअल कॉस्ट। और दोनों में से जो भी लोअर है, ये लोअर है ये और ये, इसमें से हाइयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 150 रुपए और बेचा है 170 में, तो 20 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बराबर है। अपन क्या करते, अपन इसको सीधा मानते बीच का बंदर, ठीक है। आई होप काफी बेनिफिशियल रहा होगा, यहां पे अपना कैपिटल गेन खत्म होता, उम्मीद कर रहा हूं बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी तक मैंने क्या क्या करवा दिया आपको, अभी तक मैंने आपको बेसिक रेसिडेंशियल एग्जम्प्ट इनकम पांचों हेड्स करवा दिए, क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करवा दिया, डिडक्शंस करवा दिए, ठीक है। बाकी के एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस में पूरी लिमिट है, उसमें रिवाइज करवाने लायक कुछ नहीं है, चार्ट बुक खोलो टीडीएस टीसीएस वहां से कर लो, चार्ट बुक के बाद में टीडीएस टीसीएस वहां से कर लो, रिटर्न ऑफ इनकम वहां से, ठीक है ना। मतलब उसमें कुछ है ही नहीं रिवाइज करने वाला भाई, उसको तो रट्टा ही मारना है, याद ही करना है टीडीएस के रेट, ठीक है। क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इनकम टैक्स का रिविजन एज ऑन द डेट मेरे साइड से खत्म हो चुका है। सर आप एडवांस टैक्स नहीं करवाए, एडवांस टैक्स 3 साल पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, तो पुरानी इनकम टैक्स की रिविजन देखना है तो देख लेना। जो बच्चा पहली बार आया है चैनल पे, प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत एफर्ट्स डालते हैं हम, तो जब आप लाइक करते हो या आप कॉमेंट करते हो जेन्युइनली आपको कैसा लगा, तो दिल से ऐसे अच्छा लगता है जब अच्छी कॉमेंट आती है, और अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ कमी लग रही है, तो वो बताओ, अगले वीडियो में पक्का उस पर काम किया जाए, ठीक है। तो जो भी आपके ओपिनियंस है कमेंट करके जरूर बताइए, प्लस शेयर करना तो मैंडेटरी है, अनिवार्य है शेयर करना, जिसने ना किया शेयर दो दिन हाथ नहीं लगाने, ठीक है। तो इसी नोट पे चलते हैं, सेम चीज मैराथन के अंदर भी आएगी, शेयर करिएगा मैराथन कल या परसों 18th या 19th अक्टूबर को चैनल पे आ जाएगा। चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल सीजन में ज्यादा कम्युनिटी पोस्ट पे डालते, ठीक है। प्लस फाउंडेशन के मैथ्स के वीडियो भी आने लग गए, तो अपने जूनियर कोई होंगे तो उनके साथ वो फाउंडेशन की वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू। जीएसटी का मैराथन 1, 2, 3, जीएसटी का जो रिविजन होने वाला है वो 1st, 2nd, 3rd नवंबर को होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशंस कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू। और कोई भी इसके अलावा कोई चीज रही है जिसने, तो आप कमेंट करके बता देना, जिसने ना किया शेयर उसके जाएंगे पकड़े अफेयर। क्या बात है। चलिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।